नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गंगा जल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गंगाजल, गंगाजल द होली बेपन, अनुवाद पवित्र जल, प्रकाश झा द्वारा लिखित, निर्देशित, सह निर्मित और संपादित 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। 87 अभिनेताओं के कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता यह पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो तेजपुर बिहार के काल्पनिक जिले की कमान संभालते हैं, जो अपनी उच्च अपराध दर और डॉन साधु मोहन जोशी द्वारा किए गए संगठित अपराध के लिए जाना जाता है, और सुंदर यादव यशपाल शर्मा अपराधों के प्रति स्थानीय पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण जिले के निवासी इसका सहारा लेते हैं। न्याय के हथियार के रूप में अपराधियों की आंखों में तेजाब डालना। निर्देशक प्रकाश झा द्वारा लिखित, प्रकाश झा द्वारा निर्मित, प्रकाश झा, मनमोहन शेट्टी अभिनीत, मुकेश तिवारी, अजय देवगन, ग्रेसी सिंह, मोहन जोशी, यशपाल शर्मा, छायांकन अरविंद के द्वारा संपादित प्रकाश झा, संगीत दिया है गीत संदेश सांडिल्य, स्कोर बेन शार्प, उत्पादन कंपनियां प्रकाश झा प्रोडक्शंस, मनोरंजन एक, रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2003, कार्यकारी समय 157 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 45 से 100 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 166.7 मिलियन। अपने निर्देशन की पहली फिल्म दामोल 1984 की रिलीज के बाद झा ने अपने अगले उद्यम के लिए एक विचार की कल्पना की, जिसका शीर्षक गंगा जल होगा, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के बारे में होगा। जहाँ विषय वस्तु से अपरिचित थे और उत्पादन शुरू करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी और कहानी लिखने में 20 साल लग गए। जनवरी 2001 में घोषित इस फिल्म की तस्वीर अरविंद के फिल्मांकन में 60 दिन लगे और दोनों महाराष्ट्र में 22 और 17 में हुए और सेठ सुखवंत पाणिग्रही द्वारा डिजाइन किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक संदेश सांडिल्य द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें अखिलेश शर्मा के गीत और अमेरिकी संगीतकार बेन शार्प द्वारा फिल्म द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर था। गंगा जल 29 अगस्त 2003 को जारी किया गया था। इसकी उत्पादन लागत 45 मिलियन US डॉलर, 560,000 या 100 मिलियन US डॉलर 1.3 मिलियन थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी, वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और दुनिया भर में 166.7 मिलियन US डॉलर 2.1 मिलियन की कमाई की। इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से कुछ ने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, आमतौर पर देवगन की के, लेकिन कथाना की मौलिकता पर सवाल उठाया। गंगाजल को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिली। जय गंगाजल नामक एक सीक्वल 2016 में जारी किया गया था, जिसने व्यावसायिक और गंभीर दोनों तरह से प्रदर्शन किया। भूखंड, पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार अजय देवगन तेजपुर की कमान संभालते हैं, जहां अपराध की दर बहुत अधिक है। जिले में पुलिस पर डॉन साधु यादव मोहन जोशी और उनके बेटे सुंदर यादव यशपाल शर्मा का नियंत्रण है। मुख्यालय की यात्रा के दौरान अमित की कार खराब हो जाती है और वह क्षेत्र का निरीक्षण करता है। वह पुलिस अधिकारियों के बीच पेशेवर शिथिलता, डहते बुनियादी ढांचे, पुराने हथियार, स्टेशनरी और परिवहन की कमी और भ्रष्ट स्थानीय ठेकेदारों पर अधिकारियों की निर्भरता को देखता है। इंस्पेक्टर बच्चा यादव मुकेश तिवारी साधु का एक साथी साधु के ठिकाने पर जाता है और कुख्यात स्थानीय गुंडे नुनवा को देखता है। गर्मा गर्म बहस के बाद नुनवा ने बच्चा के विभाग में एक अधिकारी की हत्या कर दी है। यादव नुनवा को मारता है। उसे गिरफ्तार करने के डर से नुनवा और तेजपुर पुलिस के बीच संबंध उजागर हो जाएगा और जनता को बताता है
कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में अमित को पता चलता है कि साधु के साथ अपने संबंधों के कारण ननवा को मार दिया गया था और सजा के तौर पर बच्चों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया है। इस चिंता में कि तेजपुर से उसका तबादला हो जाएगा, बच्चा मदद लेने साधु के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि साधु ने उसे छोड़ दिया है। अमित घटना पर ध्यान देता है और पाता है कि सुंदर ने एक लापता युवती का अपहरण कर लिया है। अमित महिला की माँ को मना लेता है, जो ऐसा करने में हिचकिचाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अफसर को भागते हुए बच्चा अमित से उसे एक मौका देने का आग्रह करता है। बच्चा सुंदर को एक कारखाने में ले जाता है, जहां अमित और उसके आदमी इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। महिला की मां डीआईजी वर्मा मोहन आगाशे, जो साधु के वफादार हैं, के बाद सुंदर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। जज ने सबूतों की कमी के कारण सुंदर को बरी कर दिया। साधु के आदमी एक पान विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, जिसने अमित के नष्ट होने से पहले सुंदर के खिलाफ गवाही दी थी। जेल में जब अमित घर जाता है, सुंदर बच्चा और उसे साथियों से लड़ता है। बच्चा पुरुषों की आंखों में तेजाब फेंकता है, एक ऐसा कार्य जिससे स्थानीय रूप से गंगाजल कहा जाता है। घटना विवाद की ओर ले जाती है और पुलिस पर सतर्क न्याय का आरोप लगाया जाता है। इस घटना से भयानक प्रेरणा लेते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जेलों में अपराधियों की आंखों में तेजाब फेंक दिया, जिससे पूरे तेजपुर में एक तीव्र भय पैदा हो गया और अपराध दर गिर गई। अधिनियम की हिंसक प्रकृति को जनता का समर्थन मिलता है। गंगा जल तत्काल असाधारण न्याय का साधन बन जाता है, जबकि सभी अधिकारी घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हैं। बच्चा एक पत्र में अपना कबूलनामा लिखता है और अमित को सौंपता है। जब बच्चा अपने घर पहुंचता है तो वह पाता है कि सुंदर ने उसके बेटे और पत्नी को बंधक बना लिया है। थोड़े संघर्ष के बाद सुंदर ने बच्चा की आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी। क्रोधित होकर अमित सुंदर के लिए एक सर्च वारंट जारी करता है और साधु को सुंदर को खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने की चेतावनी देता है। साधु सुंदर के लिए जमानत के लिए आवेदन करता है, लेकिन सुंदर को अदालत में पेश करने से पहले उसे गिरफ्तार कर जेल ले जाया जाता है। इस बार अदालत ने सुंदर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और पुलिस को सुंदर को हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालांकि साधु अपने बेटे को रिहा करने के लिए स्थानीय मंत्री को प्रभावित करता है, लेकिन अमित मना कर देता है और उसे आपातकालीन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सुंदर को रिहा कर दिया जाता है और वह उस महिला की शादी में बाधा डालता है जिससे उसने अगवा किया था और उसकी मां की हत्या कर दी थी। इस नुकसान को सहन करने में असमर्थ महिला ने खुद को मार डाला। अमित साधु और सुंदर को हिरासत में लेता है और उन्हें थाने ले जाता है, लेकिन गुस्साई हुई अमित को रोक लेती है और गंगाजल से उनकी मौत की मांग करती है। अमित भीड़ को उन्हें मारने से रोकता है, कहता है कि अराजकता केवल सामाजिक पतन लाती है। वह चाहता है कि साधु और सुंदर पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाए, लेकिन वे बच जाते हैं। वे अमित को भगाने के लिए परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एक हल पर गिरकर सुंदर और साधु की मौत हो जाती है। उनकी आंखों में छेद हो जाता है। फेंकना बॉलीवुड हंगामा से लिया गया श्री अजय देवगन पुलिस अधीक्षक एसपी अमित कुमार के रूप में अनुराधा, अमित कुमार की पत्नी के रूप में ग्रेसी सिंह, साधु यादव के रूप में मोहन जोशी, सुंदर यादव के रूप में यशपाल शर्मा, साधु यादव के पुत्र मोहन आगाशे, डीआईजी वर्मा, अमित कुमार के बॉस के रूप में डीएसपी भूरेलाल, अमित कुमार के जूनियर के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर बच्चा यादव के रूप में मुकेश तिवारी, अयूब खान, इंस्पेक्टर सईद खान के रूप में अनूप सोनी, इंस्पेक्टर नीलकंठ तिवारी के रूप में दयाशंकर पांडे, एसआई मंगनीराम के रूप में अपूर्वा के रूप में कृति रेटकर, सुंदर यादव की प्रेम रुचि मास्टर यश पाठक, रवि के रूप में अपूर्वा के छोटे भाई एएसआई भोलानाथ पांडे के रूप में चेतन पंडित, विष्णु शर्मा गृह मंत्री द्वारिका राय हैं।
मान्यता दत्त ने अलहद मस्त जवानी की मिसाल गाने में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। गीत संगीत गंगाजल द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम संदेश सांडिल्य मुक्त 2003, शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 20-15, लेवल वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स, निर्माता संदेश सांडिल्य। संदेश सांडिल्य ने गंगाजल की साउंड ट्रैक की रचना की और अखिलेश शर्मा ने गीत लिखे। ऋचा शर्मा, उस्ताद सुल्तान खान और ललित पंडित ने गायन किया और वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। गाना नंबर 1 अलहद मस्त जवानी बेमिसाल, इस गाने को ऋचा शर्मा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 जानकी नाथ सहाय करें, इस गाने के गायकार उस्ताद सुल्तान खान हैं। गाना नंबर 3 रसिया मन बसिया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। गाना नंबर 4 चंडी की रुपया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गंगा जल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गंगाजल, गंगाजल द होली बेपन, अनुवाद पवित्रजल प्रकाश झा द्वारा लिखित, निर्देशित, सहनिर्मित और संपादित 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। 87 अभिनेताओं के कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता यह पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो तेजपुर बिहार के काल्पनिक जिले की कमान संभालते हैं, जो अपनी उच्च अपराध दर और डॉन साधु मोहन जोशी द्वारा किए गए संगठित अपराध के लिए जाना जाता है, और सुंदर यादव यशपाल शर्मा अपराधों के प्रति स्थानीय पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण जिले के निवासी इसका सहारा लेते हैं। न्यायतर न्याय के अधिकार न्याय के हथियार के रूप में अपराधियों की आंखों में तेजाब डालना। निर्देशक प्रकाश झा द्वारा लिखित, प्रकाश झा द्वारा निर्मित, प्रकाश झा मनमोहन शेट्टी अभिनीत, मुकेश तिवारी, अजय देवगन, ग्रेसी सिंह, मोहन जोशी, यशपाल शर्मा, छायांकन अरविंद के द्वारा संपादित प्रकाश झा, संगीत दिया है गीत संदेश सांडिल्य, स्कोर बेन शार्प, उत्पादन कंपनियां प्रकाश झा प्रोडक्शंस, मनोरंजन 1, रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2003, कार्यकारी समय 157 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 45 से 100 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 166.7 मिलियन। अपने निर्देशन की पहली फिल्म दामुल 1984 की रिलीज के बाद झा ने अपने अगले उद्यम के लिए एक विचार की कल्पना की, जिसका शीर्षक गंगा जल होगा, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के बारे में होगा। जहाँ विषय वस्तु से अपरिचित थे और उत्पादन शुरू करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी और कहानी लिखने में 20 साल लग गए। जनवरी 2001 में घोषित इस फिल्म की तस्वीर अरविंद के फिल्मांकन में 60 दिन लगे और दोनों महाराष्ट्र में 22 और 17 में हुए और सेठ सुखवंत पाणिग्रही द्वारा डिजाइन किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक संदेश सांडिल्य द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें अखिलेश शर्मा के गीत और अमेरिकी संगीतकार बेन शार्प द्वारा फिल्म द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर था। गंगा जल 29 अगस्त 2003 को जारी किया गया था। इसकी उत्पादन लागत 45 मिलियन $45 या $100 मिलियन $1.3 मिलियन थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी, वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और दुनिया भर में $166.7 मिलियन $2.1 मिलियन की कमाई की। इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से कुछ ने
कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की आमतौर पर देवगन की के, लेकिन कथाना की मौलिकता पर सवाल उठाया। गंगाजल को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिली। जय गंगाजल नामक एक सीक्वल 2016 में जारी किया गया था, जिसने व्यावसायिक और गंभीर दोनों तरह से प्रदर्शन किया। भूखंड पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार अजय देवगन तेजपुर की कमान संभालते हैं, जहां अपराध की दर बहुत अधिक है। जिले में पुलिस पर डॉन साधु यादव, मोहन जोशी और उनके बेटे सुंदर यादव, यशपाल शर्मा का नियंत्रण है। मुख्यालय की यात्रा के दौरान अमित की कार खराब हो जाती है और वह क्षेत्र का निरीक्षण करता है। वह पुलिस अधिकारियों के बीच पेशेवर शिथिलता, डहते बुनियादी ढांचे, पुराने हथियार, स्टेशनरी और परिवहन की कमी और भ्रष्ट स्थानीय ठेकेदारों पर अधिकारियों की निर्भरता को देखता है। इंस्पेक्टर बच्चा यादव मुकेश तिवारी साधु का एक साथी साधु के ठिकाने पर जाता है और कुख्यात स्थानीय गुंडे नुनवा को देखता है। गर्मा गर्म बहस के बाद नुनवा ने बच्चा के विभाग में एक अधिकारी की हत्या कर दी है। यादव नुनवा को मारता है। उसे गिरफ्तार करने के डर से नुनवा और तेजपुर पुलिस के बीच संबंध उजागर हो जाएगा और जनता को बताता है कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में अमित को पता चलता है कि साधु के साथ अपने संबंधों के कारण नुनवा को मार दिया गया था और सजा के तौर पर बच्चों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया। इस चिंता में कि तेजपुर से उसका तबादला हो जाएगा, बच्चा मदद लेने साधु के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि साधु ने उसे छोड़ दिया है। अमित घटना पर ध्यान देता है और पाता है कि सुंदर ने एक लापता युवती का अपहरण कर लिया है। अमित महिला की माँ को मना लेता है, जो ऐसा करने में हिचकिचाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अफसर को भागते हुए बच्चा अमित से उसे एक मौका देने का आग्रह करता है। बच्चा सुंदर को एक कारखाने में ले जाता है, जहां अमित और उसके आदमी इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। महिला की मां DIG वर्मा मोहन आगाशे, जो साधु के वफादार हैं, के बाद सुंदर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। जज ने सबूतों की कमी के कारण सुंदर को बरी कर दिया। साधु के आदमी एक पान विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, जिसने अमित के नष्ट होने से पहले सुंदर के खिलाफ गवाही दी थी। जेल में जब अमित घर जाता है, सुंदर बच्चा और उसे साथियों से लड़ता है। बच्चा पुरुषों की आंखों में तेजाब फेंकता है, एक ऐसा कार्य जिससे स्थानीय रूप से गंगाजल कहा जाता है। घटना विवाद की ओर ले जाती है और पुलिस पर सतर्क न्याय का आरोप लगाया जाता है। इस घटना से भयानक प्रेरणा लेते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जेलों में अपराधियों की आंखों में तेजाब फेंक दिया, जिससे पूरे तेजपुर में एक तीव्र भय पैदा हो गया और अपराध दर गिर गई। अधिनियम की हिंसक प्रकृति को जनता का समर्थन मिलता है। गंगाजल तत्काल असाधारण न्याय का साधन बन जाता है, जबकि सभी अधिकारी घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हैं। बच्चा एक पत्र में अपना कबूलनामा लिखता है और अमित को सौंपता है। जब बच्चा अपने घर पहुंचता है तो वह पाता है कि सुंदर ने उसके बेटे और पत्नी को बंधक बना लिया है। थोड़े संघर्ष के बाद सुंदर ने बच्चा की आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी। क्रोधित होकर अमित सुंदर के लिए एक सर्च वारंट जारी करता है और साधु को सुंदर को खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने की चेतावनी देता है। साधु सुंदर के लिए जमानत के लिए आवेदन करता है, लेकिन सुंदर को अदालत में पेश करने से पहले उसे गिरफ्तार कर जेल ले जाया जाता है। इस बार अदालत ने सुंदर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और पुलिस को सुंदर को हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालांकि साधु अपने बेटे को रिहा करने के लिए स्थानीय मंत्री को प्रभावित करता है, लेकिन अमित मना कर देता है और उसे आपातकालीन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सुंदर को रिहा कर दिया जाता है और वह उस महिला की शादी में बाधा डालता है जिसे उसने अगवा किया था और उसकी माँ की हत्या कर दी थी। इस नुकसान को सहन करने में असमर्थ महिला ने खुद को मार डाला। अमित साधु और सुंदर को हिरासत में लेता है और उन्हें थाने ले जाता है, लेकिन गुस्साई हुई अमित को रोक लेती है और गंगाजल से उनकी मौत की मांग करती है।
अमित वीर को उन्हें मारने से रोकता है। कहता है कि अराजकता केवल सामाजिक पतन लाती है। वह चाहता है कि साधु और सुंदर पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाए, लेकिन वे बच जाते हैं। वे अमित को भगाने के लिए परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एक हल पर गिर कर सुंदर और साधु की मौत हो जाती है। उनकी आंखों में छेद हो जाता है। फेंकना बॉलीवुड हंगामा से लिया गया श्री अजय देवगन पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार के रूप में अनुराधा, अमित कुमार की पत्नी के रूप में ग्रेसी सिंह, साधु यादव के रूप में मोहन जोशी, सुंदर यादव के रूप में यशपाल शर्मा, साधु यादव के पुत्र मोहन आगाशे, DIG वर्मा, अमित कुमार के बॉस के रूप में DSP भूरेलाल, अमित कुमार के जूनियर के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर बच्चा यादव के रूप में मुकेश तिवारी, अयूब खान, इंस्पेक्टर सईद खान के रूप में अनूप सोनी, इंस्पेक्टर नीलकंठ तिवारी के रूप में दयाशंकर पांडे, SI मंगनीराम के रूप में अपूर्वा के रूप में कृति रेडकर, सुंदर यादव की प्रेम रुचि मास्टर यश पाठक, रवि के रूप में अपूर्वा के छोटे भाई ASI भोलानाथ पांडे के रूप में चेतन पंडित, विष्णु शर्मा गृह मंत्री द्वारिका राय हैं। मान्यता दत्त ने अलहद मस्त जवानी की मिसाल गाने में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। गीत संगीत गंगाधर द्वारा, साउंड ट्रैक एल्बम संदेश सांडिल्य मुक्त 2003, शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 20-15, लेवल वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स, निर्माता संदेश सांडिल्य। संदेश सांडिल्य ने गंगाधर की साउंड ट्रैक की रचना की और अखिलेश शर्मा ने गीत लिखे। ऋचा शर्मा, उस्ताद सुल्तान खान और ललित पंडित ने गायन किया और वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। गाना नंबर 1 अलहद मस्त जवानी बेमिसाल, इस गाने को ऋचा शर्मा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 जानकी नाथ सहाय करें, इस गाने के गायकार उस्ताद सुल्तान खान हैं। गाना नंबर 3 रसिया मन बसिया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। गाना नंबर 4 चंडी के रुपया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गंगा जल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गंगाजल, गंगाजल द होली बेपन, अनुवाद पवित्र जल, प्रकाश झा द्वारा लिखित, निर्देशित, सहनिर्मित और संपादित 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। 87 अभिनेताओं के कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता यह पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो तेजपुर बिहार के काल्पनिक जिले की कमान संभालते हैं, जो अपनी उच्च अपराध दर और डॉन साधु मोहन जोशी द्वारा किए गए संगठित अपराध के लिए जाना जाता है, और सुंदर यादव यशपाल शर्मा अपराधों के प्रति स्थानीय पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण जिले के निवासी इसका सहारा लेते हैं। न्यायतर न्याय के अधिकार न्याय के हथियार के रूप में अपराधियों की आंखों में तेजाब डालना। निर्देशक प्रकाश झा द्वारा लिखित, प्रकाश झा द्वारा निर्मित, प्रकाश झा मनमोहन शेट्टी अभिनीत, मुकेश तिवारी, अजय देवगन, ग्रेसी सिंह, मोहन जोशी, यशपाल शर्मा, छायांकन अरविंद के द्वारा संपादित प्रकाश झा, संगीत दिया है गीत संदेश सांडिल्य, स्कोर बेन शार्प, उत्पादन कंपनियां प्रकाश झा प्रोडक्शंस, मनोरंजन 1, रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2003, कार्यकारी समय 157 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 45 से 100 मिलियन,
बॉक्स ऑफिस 166.7 मिलियन। अपने निर्देशन की पहली फिल्म दामल 1984 की रिलीज के बाद झा ने अपने अगले उद्यम के लिए एक विचार की कल्पना की जिसका शीर्षक गंगा जल होगा, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के बारे में होगा। जहाँ विषय वस्तु से अपरिचित थे और उत्पादन शुरू करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी और कहानी लिखने में 20 साल लग गए। जनवरी 2001 में घोषित इस फिल्म की तस्वीर अरविंद के फिल्मांकन में 60 दिन लगे और दोनों महाराष्ट्र में 22 और 17 में हुए और सेठ सुखवंत पाणिग्रही द्वारा डिजाइन किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक संदेश चांडिल्य द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें अखिलेश शर्मा के गीत और अमेरिकी संगीतकार बेन शॉप द्वारा फिल्म द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर था। गंगा जल 29 अगस्त 2003 को जारी किया गया था। इसकी उत्पादन लागत 45 मिलियन US डॉलर 560,000 या 100 मिलियन US डॉलर 1.3 मिलियन थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी। वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और दुनिया भर में 166.7 मिलियन US डॉलर 2.1 मिलियन की कमाई की। इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से कुछ ने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, आमतौर पर देवगन की के, लेकिन कथाना की मौलिकता पर सवाल उठाया। गंगाजल को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिली। जय गंगाजल नामक एक सीक्वल 2016 में जारी किया गया था, जिसने व्यावसायिक और गंभीर दोनों तरह से प्रदर्शन किया। भूखंड पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार अजय देवगन तेजपुर की कमान संभालते हैं, जहां अपराध की दर बहुत अधिक है। जिले में पुलिस पर डॉन साधु यादव मोहन जोशी और उनके बेटे सुंदर यादव यशपाल शर्मा का नियंत्रण है। मुख्यालय की यात्रा के दौरान अमित की कार खराब हो जाती है और वह क्षेत्र का निरीक्षण करता है। वह पुलिस अधिकारियों के बीच पेशेवर शिथिलता, डहते बुनियादी ढांचे, पुराने हथियार, स्टेशनरी और परिवहन की कमी और भ्रष्ट स्थानीय ठेकेदारों पर अधिकारियों की निर्भरता को देखता है। इंस्पेक्टर बच्चा यादव मुकेश तिवारी साधु का एक साथी साधु के ठिकाने पर जाता है और कुख्यात स्थानीय गुंडे नुनवा को देखता है। गर्मा गर्म बहस के बाद नुनवा ने बच्चा के विभाग में एक अधिकारी की हत्या कर दी है। यादव नुनवा को मारता है। उसे गिरफ्तार करने के डर से नुनवा और तेजपुर पुलिस के बीच संबंध उजागर हो जाएगा और जनता को बताता है कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में अमित को पता चलता है कि साधु के साथ अपने संबंधों के कारण नुनवा को मार दिया गया था और सजा के तौर पर बच्चों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया। इस चिंता में कि तेजपुर से उसका तबादला हो जाएगा, बच्चा मदद लेने साधु के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि साधु ने उसे छोड़ दिया है। अमित घटना पर ध्यान देता है और पाता है कि सुंदर ने एक लापता युवती का अपहरण कर लिया है। अमित महिला की माँ को मना लेता है, जो ऐसा करने में हिचकिचाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अफसर को भागते हुए बच्चा अमित से उसे एक मौका देने का आग्रह करता है। बच्चा सुंदर को एक कारखाने में ले जाता है, जहां अमित और उसके आदमी इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। महिला की माँ DIG वर्मा मोहन आगाशे, जो साधु के वफादार हैं, के बाद सुंदर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। जज ने सबूतों की कमी के कारण सुंदर को बरी कर दिया। साधु के आदमी एक पान विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, जिसने अमित के नष्ट होने से पहले सुंदर के खिलाफ गवाही दी थी। जेल में जब अमित घर जाता है, सुंदर बच्चा और उसे साथियों से लड़ता है। बच्चा पुरुषों की आंखों में तेजाब फेंकता है, एक ऐसा कार्य जिससे स्थानीय रूप से गंगाजल कहा जाता है। घटना विवाद की ओर ले जाती है और पुलिस पर सतर्क न्याय का आरोप लगाया जाता है। इस घटना से भयानक प्रेरणा लेते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जेलों में अपराधियों की आंखों में तेजाब फेंक दिया, जिससे पूरे तेजपुर में एक तीव्र भय पैदा हो गया और अपराध दर गिर गई। अधिनियम की हिंसक प्रकृति को जनता का समर्थन मिलता है। गंगा जल तत्काल असाधारण न्याय का साधन बन जाता है, जबकि सभी अधिकारी घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हैं।
बच्चा एक पत्र में अपना कबूलनामा लिखता है और उम्मीद को सौंपता है। जब बच्चा अपने घर पहुंचता है तो वह पाता है कि सुंदर ने उसके बेटे और पत्नी को बंधक बना लिया है। थोड़े संघर्ष के बाद सुंदर ने बच्चा की आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी। क्रोधित होकर अमित सुंदर के लिए एक सर्च वारंट जारी करता है और साधु को सुंदर को खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने की चेतावनी देता है। साधु सुंदर के लिए जमानत के लिए आवेदन करता है, लेकिन सुंदर को अदालत में पेश करने से पहले उसे गिरफ्तार कर जेल ले जाया जाता है। इस बार अदालत ने सुंदर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और पुलिस को सुंदर को हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालांकि साधु अपने बेटे को रिहा करने के लिए स्थानीय मंत्री को प्रभावित करता है, लेकिन अमित मना कर देता है और उसे आपातकालीन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सुंदर को रिहा कर दिया जाता है और वह उस महिला की शादी में बाधा डालता है जिसे उसने अगवा किया था और उसकी माँ की हत्या कर दी थी। इस नुकसान को सहन करने में असमर्थ महिला ने खुद को मार डाला। अमित साधु और सुंदर को हिरासत में लेता है और उन्हें थाने ले जाता है, लेकिन गुस्साई हुई अमित को रोक लेती है और गंगाजल से उनकी मौत की मांग करती है। अमित भीड़ को उन्हें मारने से रोकता है, कहता है कि अराजकता केवल सामाजिक पतन लाती है। वह चाहता है कि साधु और सुंदर पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाए, लेकिन वे बच जाते हैं। वे अमित को भगाने के लिए परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एक हल पर गिर कर सुंदर और साधु की मौत हो जाती है। उनकी आंखों में छेद हो जाता है। फेंकना बॉलीवुड हंगामा से लिया गया श्री अजय देवगन पुलिस अधीक्षक एसपी अमित कुमार के रूप में, अनुराधा अमित कुमार की पत्नी के रूप में ग्रेसी सिंह, साधु यादव के रूप में मोहन जोशी, सुंदर यादव के रूप में यशपाल शर्मा, साधु यादव के पुत्र मोहन आगाशे, डीआईजी वर्मा, अमित कुमार के बॉस के रूप में डीएसपी भूरेलाल, अमित कुमार के जूनियर के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर बच्चा यादव के रूप में मुकेश तिवारी, अयूब खान, इंस्पेक्टर सईद खान के रूप में अनूप सोनी, इंस्पेक्टर नीलकंठ तिवारी के रूप में दयाशंकर पांडे, एसआई मंगनीराम के रूप में अपूर्वा के रूप में कृति रेटकर, सुंदर यादव की प्रेम रुचि मास्टर यश पाठक, रवि के रूप में अपूर्वा के छोटे भाई एएसआई भोलानाथ पांडे के रूप में चेतन पंडित, विष्णु शर्मा गृह मंत्री द्वारिका राय हैं। मान्यता दत्त ने अलहद मस्त जवानी की मिसाल गाने में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। गीत संगीत गंगाजल द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम संदेश सांडिल्य मुक्त 2003, शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 20-15, लेबल वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स, निर्माता संदेश सांडिल्य। संदेश सांडिल्य ने गंगाजल की साउंड ट्रैक की रचना की और अखिलेश शर्मा ने गीत लिखे। ऋचा शर्मा, उस्ताद सुल्तान खान और ललित पंडित ने गायन किया और वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। गाना नंबर 1 अलहद मस्त जवानी बेमिसाल, इस गाने को ऋचा शर्मा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 जानकी नाथ सहाय करें, इस गाने के गायकार उस्ताद सुल्तान खान हैं। गाना नंबर 3 रसिया मन बसिया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। गाना नंबर 4 चंडी के रुपया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गंगाजल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गंगाजल, गंगाजल द होली बेपन, अनुवाद
पवित्रजल प्रकाश झा द्वारा लिखित, निर्देशित, सहनिर्मित और संपादित 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। 87 अभिनेताओं के कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता यह पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो तेजपुर बिहार के काल्पनिक जिले की कमान संभालते हैं, जो अपनी उच्च अपराध दर और डॉन साधु मोहन जोशी द्वारा किए गए संगठित अपराध के लिए जाना जाता है, और सुंदर यादव यशपाल शर्मा अपराधों के प्रति स्थानीय पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण जिले के निवासी इसका सहारा लेते हैं। न्यायतर न्याय के अधिकार न्याय के हथियार के रूप में अपराधियों की आंखों में तेजाब डालना। निर्देशक प्रकाश झा द्वारा लिखित, प्रकाश झा द्वारा निर्मित, प्रकाश झा मनमोहन शेट्टी अभिनीत, मुकेश तिवारी अजय देवगन, ग्रेसी सिंह, मोहन जोशी, यशपाल शर्मा, छायांकन अरविंद के द्वारा संपादित प्रकाश झा, संगीत दिया है गीत संदेश सांडिल्य, स्कोर बेन शार्प, उत्पादन कंपनियां प्रकाश झा प्रोडक्शंस, मनोरंजन एक, रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2003, कार्यकारी समय 157 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 45 से 100 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 166.7 मिलियन। अपने निर्देशन की पहली फिल्म दामोल 1984 की रिलीज के बाद झा ने अपने अगले उद्यम के लिए एक विचार की कल्पना की, जिसका शीर्षक गंगा जल होगा, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के बारे में होगा। जहाँ विषय वस्तु से अपरिचित थे और उत्पादन शुरू करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी और कहानी लिखने में 20 साल लग गए। जनवरी 2001 में घोषित इस फिल्म की तस्वीर अरविंद के फिल्मांकन में 60 दिन लगे और दोनों महाराष्ट्र में 22 और 17 में हुए और सेठ सुखवंत पाणिग्रही द्वारा डिजाइन किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक संदेश सांडिल्य द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें अखिलेश शर्मा के गीत और अमेरिकी संगीतकार बेन शॉप द्वारा फिल्म द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर था। गंगा जल 29 अगस्त 2003 को जारी किया गया था। इसकी उत्पादन लागत $45 मिलियन 560,000 या $100 मिलियन 1.3 मिलियन थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी, वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और दुनिया भर में $166.7 मिलियन 2.1 मिलियन की कमाई की। इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से कुछ ने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, आमतौर पर देवगन की के, लेकिन कथाना की मौलिकता पर सवाल उठाया। गंगाजल को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिली। जय गंगाजल नामक एक सीक्वल 2016 में जारी किया गया था, जिसने व्यावसायिक और गंभीर दोनों तरह से प्रदर्शन किया। भूखंड पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार अजय देवगन तेजपुर की कमान संभालते हैं, जहाँ अपराध की दर बहुत अधिक है। जिले में पुलिस पर डॉन साधु यादव मोहन जोशी और उनके बेटे सुंदर यादव यशपाल शर्मा का नियंत्रण है। मुख्यालय की यात्रा के दौरान अमित की कार खराब हो जाती है और वह क्षेत्र का निरीक्षण करता है। वह पुलिस अधिकारियों के बीच पेशेवर शिथिलता, डहते बुनियादी ढांचे, पुराने हथियार, स्टेशनरी और परिवहन की कमी और भ्रष्ट स्थानीय ठेकेदारों पर अधिकारियों की निर्भरता को देखता है। इंस्पेक्टर बच्चा यादव मुकेश तिवारी साधु का एक साथी साधु के ठिकाने पर जाता है और कुख्यात स्थानीय गुंडे नुनवा को देखता है। गर्मा गर्म बहस के बाद नुनवा ने बच्चा के विभाग में एक अधिकारी की हत्या कर दी है। यादव नुनवा को मारता है। उसे गिरफ्तार करने के डर से नुनवा और तेजपुर पुलिस के बीच संबंध उजागर हो जाएगा और जनता को बताता है कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में अमित को पता चलता है कि साधु के साथ अपने संबंधों के कारण नुनवा को मार दिया गया था और सजा के तौर पर बच्चों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया। इस चिंता में कि तेजपुर से उसका तबादला हो जाएगा, बच्चा मदद लेने साधु के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि साधु ने उसे छोड़ दिया है। अमित घटना पर ध्यान देता है और पाता है कि सुंदर ने एक लापता युवती का अपहरण कर लिया है। अमित महिला की माँ को मना लेता है, जो ऐसा करने में हिचकिचाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अफसर को भागते हुए बच्चा अमित से उसे एक मौका देने का आग्रह करता है।
बच्चा सुंदर को एक कारखाने में ले जाता है जहां अमित और उसके आदमी इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। महिला की मां डीआईजी वर्मा मोहन आगाशे जो साधु के वफादार हैं के बाद सुंदर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। जज ने सबूतों की कमी के कारण सुंदर को बरी कर दिया। साधु के आदमी एक पान विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं जिसने अमित के नष्ट होने से पहले सुंदर के खिलाफ गवाही दी थी। जेल में जब अमित घर जाता है सुंदर बच्चा और उसे साथियों से लड़ता है। बच्चा पुरुषों की आंखों में तेजाब फेंकता है, एक ऐसा कार्य जिससे स्थानीय रूप से गंगाजल कहा जाता है। घटना विवाद की ओर ले जाती है और पुलिस पर सतर्क न्याय का आरोप लगाया जाता है। इस घटना से भयानक प्रेरणा लेते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जेलों में अपराधियों की आंखों में तेजाब फेंक दिया जिससे पूरे तेजपुर में एक तीव्र भय पैदा हो गया और अपराध दर गिर गई। अधिनियम की हिंसक प्रकृति को जनता का समर्थन मिलता है। गंगा जल तत्काल असाधारण न्याय का साधन बन जाता है जबकि सभी अधिकारी घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हैं। बच्चा एक पत्र में अपना कबूलनामा लिखता है और उम्मीद को सौंपता है। जब बच्चा अपने घर पहुंचता है तो वह पाता है कि सुंदर ने उसके बेटे और पत्नी को बंधक बना लिया है। थोड़े संघर्ष के बाद सुंदर ने बच्चा की आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी। क्रोधित होकर अमित सुंदर के लिए एक सर्च वारंट जारी करता है और साधु को सुंदर को खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने की चेतावनी देता है। साधु सुंदर के लिए जमानत के लिए आवेदन करता है लेकिन सुंदर को अदालत में पेश करने से पहले उसे गिरफ्तार कर जेल ले जाया जाता है। इस बार अदालत ने सुंदर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और पुलिस को सुंदर को हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालांकि साधु अपने बेटे को रिहा करने के लिए स्थानीय मंत्री को प्रभावित करता है लेकिन अमित मना कर देता है और उसे आपातकालीन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सुंदर को रिहा कर दिया जाता है और वह उस महिला की शादी में बाधा डालता है जिसे उसने अगवा किया था और उसकी माँ की हत्या कर दी थी। इस नुकसान को सहन करने में असमर्थ महिला ने खुद को मार डाला। अमित साधु और सुंदर को हिरासत में लेता है और उन्हें थाने ले जाता है लेकिन गुस्साई हुई अमित को रोक लेती है और गंगाजल से उनकी मौत की मांग करती है। अमित भीड़ को उन्हें मारने से रोकता है, कहता है कि अराजकता केवल सामाजिक पतन लाती है। वह चाहता है कि साधु और सुंदर पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाए लेकिन वे बच जाते हैं। वे अमित को भगाने के लिए परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एक हल पर गिरकर सुंदर और साधु की मौत हो जाती है। उनकी आंखों में छेद हो जाता है। फेंकना बॉलीवुड हंगामा से लिया गया श्री अजय देवगन पुलिस अधीक्षक एसपी अमित कुमार के रूप में अनुराधा, अमित कुमार की पत्नी के रूप में ग्रेसी सिंह, साधु यादव के रूप में मोहन जोशी, सुंदर यादव के रूप में यशपाल शर्मा, साधु यादव के पुत्र मोहन आगाशे, डीआईजी वर्मा, अमित कुमार के बॉस के रूप में डीएसपी भूरेलाल, अमित कुमार के जूनियर के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर बच्चा यादव के रूप में मुकेश तिवारी, अयूब खान, इंस्पेक्टर सईद खान के रूप में अनूप सोनी, इंस्पेक्टर नीलकंठ तिवारी के रूप में दयाशंकर पांडे, एसआई मंगनीराम के रूप में अपूर्वा के रूप में कृति रेटकर, सुंदर यादव की प्रेम रुचि मास्टर यश पाठक, रवि के रूप में अपूर्वा के छोटे भाई एएसआई भोलानाथ पांडे के रूप में चेतन पंडित, विष्णु शर्मा गृह मंत्री द्वारिका राय हैं। मान्यता दत्त ने अलहद मस्त जवानी बेमिसाल गाने में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। गीत संगीत गंगाजल द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम संदेश सांडिल्य मुक्त 2003, शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 20-15, लेबल वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स, निर्माता संदेश सांडिल्य। संदेश सांडिल्य ने गंगाजल की साउंड ट्रैक की रचना की और अखिलेश शर्मा ने गीत लिखे। ऋचा शर्मा, उस्ताद सुल्तान खान और ललित पंडित ने गायन किया और वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। गाना नंबर 1 अलहद मस्त जवानी बेमिसाल, इस गाने को ऋचा शर्मा ने अपनी आवाज़ में गाया है।
गाना नंबर दो जानकी नाथ सहाय करें। इस गाने के गायकार उस्ताद सुल्तान खान हैं। गाना नंबर तीन रसिया मन बसिया। इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। गाना नंबर चार चंडी की रुपया। इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गंगा जल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गंगाजल, गंगाजल द होली वेपन, अनुवाद पवित्र जल, प्रकाश झा द्वारा लिखित, निर्देशित, सह निर्मित और संपादित 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। 87 अभिनेताओं के कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता यह पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो तेजपुर बिहार के काल्पनिक जिले की कमान संभालते हैं, जो अपनी उच्च अपराध दर और डॉन साधु मोहन जोशी द्वारा किए गए संगठित अपराध के लिए जाना जाता है, और सुंदर यादव यशपाल शर्मा अपराधों के प्रति स्थानीय पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण जिले के निवासी इसका सहारा लेते हैं। न्यायतर न्याय के अधिकार न्याय के हथियार के रूप में अपराधियों की आंखों में तेजाब डालना। निर्देशक प्रकाश झा द्वारा लिखित, प्रकाश झा द्वारा निर्मित, प्रकाश झा मनमोहन शेट्टी अभिनीत, मुकेश तिवारी अजय देवगन, ग्रेसी सिंह, मोहन जोशी, यशपाल शर्मा, छायांकन अरविंद के द्वारा संपादित प्रकाश झा, संगीत दिया है गीत संदेश सांडिल्य, स्कोर बेन शार्प, उत्पादन कंपनियां प्रकाश झा प्रोडक्शंस, मनोरंजन एक, रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2003, कार्यकारी समय 157 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 45 से 100 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 166.7 मिलियन। अपने निर्देशन की पहली फिल्म दामोल 1984 की रिलीज के बाद झा ने अपने अगले उद्यम के लिए एक विचार की कल्पना की, जिसका शीर्षक गंगा जल होगा, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के बारे में होगा। जहाँ विषय वस्तु से अपरिचित थे और उत्पादन शुरू करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी और कहानी लिखने में 20 साल लग गए। जनवरी 2001 में घोषित इस फिल्म की तस्वीर अरविंद के फिल्मांकन में 60 दिन लगे और दोनों महाराष्ट्र में 22 और 17 में हुए और सेठ सुखवंत पाणिग्रही द्वारा डिजाइन किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक संदेश सांडिल्य द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें अखिलेश शर्मा के गीत और अमेरिकी संगीतकार बेन शॉप द्वारा फिल्म द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर था। गंगा जल 29 अगस्त 2003 को जारी किया गया था। इसकी उत्पादन लागत 45 मिलियन $45 या $100 मिलियन $1.3 मिलियन थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी, वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और दुनिया भर में 166.7 मिलियन $ 2.1 मिलियन की कमाई की। इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से कुछ ने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, आमतौर पर देवगन की के, लेकिन कथाना की मौलिकता पर सवाल उठाया। गंगाजल को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिली। जय गंगाजल नामक एक सीक्वल 2016 में जारी किया गया था, जिसने व्यावसायिक और गंभीर दोनों तरह से प्रदर्शन किया। भूखंड, पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार अजय देवगन तेजपुर की कमान संभालते हैं, जहां अपराध की दर बहुत अधिक है। जिले में पुलिस पर डॉन साधु यादव मोहन जोशी और उनके बेटे सुंदर यादव यशपाल शर्मा का नियंत्रण है। मुख्यालय की यात्रा के दौरान अमित की कार खराब हो जाती है और वह क्षेत्र का निरीक्षण करता है।
वह पुलिस अधिकारियों के बीच पेशेवर शिथिल था। डहते बुनियादी ढांचे, पुराने हथियार, स्टेशनरी और परिवहन की कमी और भ्रष्ट स्थानीय ठेकेदारों पर अधिकारियों की निर्भरता को देखता है। इंस्पेक्टर बच्चा यादव मुकेश तिवारी साधु का एक साथी साधु के ठिकाने पर जाता है और कुख्यात स्थानीय गुंडे नुनवा को देखता है। गर्मा गर्म बहस के बाद नुनवा ने बच्चा के विभाग में एक अधिकारी की हत्या कर दी है। यादव नुनवा को मारता है। उसे गिरफ्तार करने के डर से नुनवा और तेजपुर पुलिस के बीच संबंध उजागर हो जाएगा और जनता को बताता है कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में अमित को पता चलता है कि साधु के साथ अपने संबंधों के कारण नुनवा को मार दिया गया था और सजा के तौर पर बच्चों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया। इस चिंता में कि तेजपुर से उसका तबादला हो जाएगा, बच्चा मदद लेने साधु के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि साधु ने उसे छोड़ दिया है। अमित घटना पर ध्यान देता है और पाता है कि सुंदर ने एक लापता युवती का अपहरण कर लिया है। अमित महिला की माँ को मना लेता है, जो ऐसा करने में हिचकिचाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अफसर को भागते हुए बच्चा अमित से उसे एक मौका देने का आग्रह करता है। बच्चा सुंदर को एक कारखाने में ले जाता है, जहां अमित और उसके आदमी इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। महिला की मां डीआईजी वर्मा मोहन आगाशे, जो साधु के वफादार हैं, के बाद सुंदर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। जज ने सबूतों की कमी के कारण सुंदर को बरी कर दिया। साधु के आदमी एक पान विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, जिसने अमित के नष्ट होने से पहले सुंदर के खिलाफ गवाही दी थी। जेल में जब अमित घर जाता है, सुंदर बच्चा और उसे साथियों से लड़ता है। बच्चा पुरुषों की आंखों में तेजाब फेंकता है, एक ऐसा कार्य जिससे स्थानीय रूप से गंगाजल कहा जाता है। घटना विवाद की ओर ले जाती है और पुलिस पर सतर्क न्याय का आरोप लगाया जाता है। इस घटना से भयानक प्रेरणा लेते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जेलों में अपराधियों की आंखों में तेजाब फेंक दिया, जिससे पूरे तेजपुर में एक तीव्र भय पैदा हो गया और अपराध दर गिर गई। अधिनियम की हिंसक प्रकृति को जनता का समर्थन मिलता है। गंगा जल तत्काल असाधारण न्याय का साधन बन जाता है, जबकि सभी अधिकारी घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हैं। बच्चा एक पत्र में अपना कबूलनामा लिखता है और अमित को सौंपता है। जब बच्चा अपने घर पहुंचता है तो वह पाता है कि सुंदर ने उसके बेटे और पत्नी को बंधक बना लिया है। थोड़े संघर्ष के बाद सुंदर ने बच्चा की आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी। क्रोधित होकर अमित सुंदर के लिए एक सर्च वारंट जारी करता है और साधु को सुंदर को खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने की चेतावनी देता है। साधु सुंदर के लिए जमानत के लिए आवेदन करता है, लेकिन सुंदर को अदालत में पेश करने से पहले उसे गिरफ्तार कर जेल ले जाया जाता है। इस बार अदालत ने सुंदर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और पुलिस को सुंदर को हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालांकि साधु अपने बेटे को रिहा करने के लिए स्थानीय मंत्री को प्रभावित करता है, लेकिन अमित मना कर देता है और उसे आपातकालीन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सुंदर को रिहा कर दिया जाता है और वह उस महिला की शादी में बाधा डालता है जिसे उसने अगवा किया था और उसकी माँ की हत्या कर दी थी। इस नुकसान को सहन करने में असमर्थ महिला ने खुद को मार डाला। अमित साधु और सुंदर को हिरासत में लेता है और उन्हें थाने ले जाता है, लेकिन गुस्साई हुई अमित को रोक लेती है और गंगाजल से उनकी मौत की मांग करती है। अमित भीड़ को उन्हें मारने से रोकता है, कहता है कि अराजकता केवल सामाजिक पतन लाती है। वह चाहता है कि साधु और सुंदर पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाए, लेकिन वे बच जाते हैं। वे अमित को भगाने के लिए परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एक हल पर गिरकर सुंदर और साधु की मौत हो जाती है। उनकी आंखों में छेद हो जाता है। फेंकना बॉलीवुड हंगामा से लिया गया श्री अजय देवगन पुलिस अधीक्षक एसपी अमित कुमार के रूप में अनुराधा, अमित कुमार की पत्नी के रूप में ग्रेसी सिंह, साधु यादव के रूप में मोहन जोशी, सुंदर यादव के रूप में यशपाल शर्मा, साधु यादव के पुत्र
मोहन आकाशे डीआईजी वर्मा अमित कुमार के बॉस के रूप में, डीएसपी भूरेलाल अमित कुमार के जूनियर के रूप में, अखिलेंद्र मिश्रा इंस्पेक्टर बच्चा यादव के रूप में, मुकेश तिवारी, अयूब खान इंस्पेक्टर सईद खान के रूप में, अनूप सोनी इंस्पेक्टर नीलकंठ तिवारी के रूप में, दयाशंकर पांडे एसआई मंगनी राम के रूप में, अपूर्वा के रूप में कृति रेटकर, सुंदर यादव की प्रेम रुचि मास्टर यश पाठक, रवि के रूप में अपूर्वा के छोटे भाई एएसआई भोलानाथ पांडे के रूप में, चेतन पंडित विष्णु शर्मा गृह मंत्री द्वारिका राय है, मान्यता दत्त ने अलहद मस्त जवानी बेमिसाल गाने में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। गीत संगीत गंगाजल द्वारा, साउंड ट्रैक एल्बम संदेश सांडिल्य मुक्त 2003, शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 20-15, लेबल वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स, निर्माता संदेश सांडिल्य। संदेश सांडिल्य ने गंगाजल की साउंड ट्रैक की रचना की और अखिलेश शर्मा ने गीत लिखे। ऋचा शर्मा उस्ताद सुल्तान खान और ललित पंडित ने गायन किया और वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। गाना नंबर 1 अलहद मस्त जवानी बेमिसाल, इस गाने को ऋचा शर्मा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 जानकी नाथ सहाय करें, इस गाने के गायकार उस्ताद सुल्तान खान हैं। गाना नंबर 3 रसिया मन बसिया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। गाना नंबर 4 चंडी के रुपया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गंगा जल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गंगाजल, गंगाजल द होली बेपन, अनुवाद पवित्र जल, प्रकाश झा द्वारा लिखित निर्देशित सहनिर्मित और संपादित 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। 87 अभिनेताओं के कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता यह पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो तेजपुर बिहार के काल्पनिक जिले की कमान संभालते हैं, जो अपनी उच्च अपराध दर और डॉन साधु मोहन जोशी द्वारा किए गए संगठित अपराध के लिए जाना जाता है, और सुंदर यादव यशपाल शर्मा अपराधों के प्रति स्थानीय पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण जिले के निवासी इसका सहारा लेते हैं। न्यायतर न्याय के अधिकार न्याय के हथियार के रूप में अपराधियों की आंखों में तेजाब डालना। निर्देशक प्रकाश झा द्वारा लिखित, प्रकाश झा द्वारा निर्मित, प्रकाश झा मनमोहन शेट्टी अभिनीत, मुकेश तिवारी अजय देवगन ग्रेसी सिंह मोहन जोशी यशपाल शर्मा, छायांकन अरविंद के द्वारा संपादित प्रकाश झा, संगीत दिया है गीत संदेश सांडिल्य, स्कोर बेन शार्प, उत्पादन कंपनियां प्रकाश झा प्रोडक्शंस, मनोरंजन 1, रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2003, कार्यकारी समय 157 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 45 से 100 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 166.7 मिलियन। अपने निर्देशन की पहली फिल्म दामुल 1984 की रिलीज के बाद झा ने अपने अगले उद्यम के लिए एक विचार की कल्पना की, जिसका शीर्षक गंगा जल होगा, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के बारे में होगा। जहां विषय वस्तु से अपरिचित थे और उत्पादन शुरू करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी और कहानी लिखने में 20 साल लग गए। जनवरी 2001 में घोषित इस फिल्म की तस्वीर अरविंद के फिल्मांकन में 60 दिन लगे और दोनों महाराष्ट्र में 22 और 17 में हुए और सेठ सुखवंत पाड़ीग्रही द्वारा डिजाइन किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक
संदेश चांडिल्य द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें अखिलेश शर्मा के गीत और अमेरिकी संगीतकार बेन शॉप द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर था। गंगा जल उन्नति सर्वे 2003 को जारी किया गया था। इसकी उत्पादन लागत 45 मिलियन US डॉलर, 560,000 या 100 मिलियन US डॉलर, 1.3 मिलियन थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी। वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और दुनिया भर में 166.7 मिलियन US डॉलर, 2.1 मिलियन की कमाई की। इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से कुछ ने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, आमतौर पर देवगन की के, लेकिन कथाना की मौलिकता पर सवाल उठाया। गंगाजल को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिली। जय गंगाजल नामक एक सीक्वल 2016 में जारी किया गया था, जिसने व्यवसायिक और गंभीर दोनों तरह से प्रदर्शन किया। भूखंड पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार अजय देवगन तेजपुर की कमान संभालते हैं, जहां अपराध की दर बहुत अधिक है। जिले में पुलिस पर डॉन साधु यादव, मोहन जोशी और उनके बेटे सुंदर यादव, यशपाल शर्मा का नियंत्रण है। मुख्यालय की यात्रा के दौरान अमित की कार खराब हो जाती है और वह क्षेत्र का निरीक्षण करता है। वह पुलिस अधिकारियों के बीच पेशेवर शिथिलता, डहते बुनियादी ढांचे, पुराने हथियार, स्टेशनरी और परिवहन की कमी और भ्रष्ट स्थानीय ठेकेदारों पर अधिकारियों की निर्भरता को देखता है। इंस्पेक्टर बच्चा यादव मुकेश तिवारी साधु का एक साथी साधु के ठिकाने पर जाता है और कुख्यात स्थानीय गुंडे नुनवा को देखता है। गर्मा गर्म बहस के बाद नुनवा ने बच्चा के विभाग में एक अधिकारी की हत्या कर दी है। यादव नुनवा को मारता है। उसे गिरफ्तार करने के डर से नुनवा और तेजपुर पुलिस के बीच संबंध उजागर हो जाएगा और जनता को बताता है कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में अमित को पता चलता है कि साधु के साथ अपने संबंधों के कारण नुनवा को मार दिया गया था और सजा के तौर पर बच्चों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया। इस चिंता में कि तेजपुर से उसका तबादला हो जाएगा, बच्चा मदद लेने साधु के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि साधु ने उसे छोड़ दिया है। अमित घटना पर ध्यान देता है और पाता है कि सुंदर ने लापता युवती का अपहरण कर लिया है। अमित महिला की माँ को मना लेता है, जो ऐसा करने में हिचकिचाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अफसर को भागते हुए बच्चा अमित से उसे एक मौका देने का आग्रह करता है। बच्चा सुंदर को एक कारखाने में ले जाता है, जहां अमित और उसके आदमी इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। महिला की माँ DIG वर्मा मोहन आगाशे, जो साधु के वफादार हैं, के बाद सुंदर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। जज ने सबूतों की कमी के कारण सुंदर को बरी कर दिया। साधु के आदमी एक पान विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, जिसने अमित के नष्ट होने से पहले सुंदर के खिलाफ गवाही दी थी। जेल में जब अमित घर जाता है, सुंदर बच्चा और उसे साथियों से लड़ता है। बच्चा पुरुषों की आंखों में तेजाब फेंकता है, एक ऐसा कार्य जिससे स्थानीय रूप से गंगाजल कहा जाता है। घटना विवाद की ओर ले जाती है और पुलिस पर सतर्क न्याय का आरोप लगाया जाता है। इस घटना से भयानक प्रेरणा लेते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जेलों में अपराधियों की आंखों में तेजाब फेंक दिया, जिससे पूरे तेजपुर में एक तीव्र भय पैदा हो गया और अपराध दर गिर गई। अधिनियम की हिंसक प्रकृति को जनता का समर्थन मिलता है। गंगा जल तत्काल असाधारण न्याय का साधन बन जाता है, जबकि सभी अधिकारी घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हैं। बच्चा एक पत्र में अपना कबूलनामा लिखता है और अमित को सौंपता है। जब बच्चा अपने घर पहुंचता है तो वह पाता है कि सुंदर ने उसके बेटे और पत्नी को बंधक बना लिया है। थोड़े संघर्ष के बाद सुंदर ने बच्चा की आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी। क्रोधित होकर अमित सुंदर के लिए एक सर्च वारंट जारी करता है और साधु को सुंदर को खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने की चेतावनी देता है। साधु सुंदर के लिए जमानत के लिए आवेदन करता है, लेकिन सुंदर को अदालत में पेश करने से पहले उसे गिरफ्तार कर जेल ले जाया जाता है। इस बार अदालत ने सुंदर की जमानत
अर्जी खारिज कर दी और पुलिस को सोमवार को हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालांकि साधु अपने बेटे को रिहा करने के लिए स्थानीय मंत्री को प्रभावित करता है, लेकिन अमित मना कर देता है और उसे आपातकालीन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सुंदर को रिहा कर दिया जाता है और वह उस महिला की शादी में बाधा डालता है जिसे उसने अगवा किया था और इसकी मां की हत्या कर दी थी। इस नुकसान को सहन करने में असमर्थ महिला ने खुद को मार डाला। अमित साधु और सुंदर को हिरासत में लेता है और उन्हें थाने ले जाता है, लेकिन गुस्साई भीड़ अमित को रोक लेती है और गंगाजल से उनकी मौत की मांग करती है। अमित भीड़ को उन्हें मारने से रोकता है, कहता है कि अराजक तक केवल सामाजिक पतन लाती है। वह चाहता है कि साधु और सुंदर पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाए, लेकिन वे बच जाते हैं। वे अमित को भगाने के लिए परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एक हल पर गिरकर सुंदर और साधु की मौत हो जाती है। उनकी आंखों में छेद हो जाता है। फेंकना बॉलीवुड हंगामा से लिया गया श्री अजय देवगन पुलिस अधीक्षक एसपी अमित कुमार के रूप में, अनुराधा अमित कुमार की पत्नी के रूप में ग्रेसी सिंह, साधु यादव के रूप में मोहन जोशी, सुंदर यादव के रूप में यशपाल शर्मा, साधु यादव के पुत्र मोहन आगाशे, डीआईजी वर्मा, अमित कुमार के बॉस के रूप में डीएसपी भूरेलाल, अमित कुमार के जूनियर के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर बच्चा यादव के रूप में मुकेश तिवारी, अयूब खान, इंस्पेक्टर सईद खान के रूप में अनूप सोनी, इंस्पेक्टर नीलकंठ तिवारी के रूप में दयाशंकर पांडे, एसआई मंगनीराम के रूप में अपूर्वा के रूप में कृति रेटकर, सुंदर यादव की प्रेम रुचि मास्टर यश पाठक, रवि के रूप में अपूर्वा के छोटे भाई एएसआई भोलानाथ पांडे के रूप में चेतन पंडित, विष्णु शर्मा गृह मंत्री द्वारिका राय हैं। मान्यता दत्त ने अलहद मस्त जवानी बेमिसाल गाने में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। गीत संगीत गंगाजल द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम संदेश सांडिल्य मुक्त 2003, शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 20-15, लेबल वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स, निर्माता संदेश सांडिल्य। संदेश सांडिल्य ने गंगाजल की साउंड ट्रैक की रचना की और अखिलेश शर्मा ने गीत लिखे। ऋचा शर्मा, उस्ताद सुल्तान खान और ललित पंडित ने गायन किया और वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। गाना नंबर 1 अलहद मस्त जवानी बेमिसाल, इस गाने को ऋचा शर्मा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 जानकी नाथ सहाय करें, इस गाने के गायकार उस्ताद सुल्तान खान हैं। गाना नंबर 3 रसिया मन बसिया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। गाना नंबर 4 चंडी के रुपया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गंगाजल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गंगाजल, गंगाजल द होली वेपन, अनुवाद पवित्रजल प्रकाश झा द्वारा लिखित, निर्देशित, सहनिर्मित और संपादित 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। 87 अभिनेताओं के कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता यह पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो तेजपुर बिहार के काल्पनिक जिले की कमान संभालते हैं, जो अपनी उच्च अपराध दर और डॉन साधु मोहन जोशी द्वारा किए गए संगठित अपराध के लिए जाना जाता है, और सुंदर यादव यशपाल शर्मा अपराधों के प्रति स्थानीय पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण जिले के निवासी इसका सहारा लेते हैं। न्यायतर न्याय के अधिकार न्याय के हथियार के रूप में अपराधियों की आंखों में
तेजाब डालना। निर्देशक प्रकाश झा द्वारा लिखित, प्रकाश झा द्वारा निर्मित, प्रकाश झा मनमोहन शेट्टी अभिनीत, मुकेश तिवारी, अजय देवगन, ग्रेसी सिंह, मोहन जोशी, यशपाल शर्मा, छायांकन अरविंद के द्वारा संपादित, प्रकाश झा संगीत दिया है, गीत संदेश सांडिल्य, स्कोर बेन शार्प, उत्पादन कंपनियां प्रकाश झा प्रोडक्शंस, मनोरंजन एक, रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2003, कार्यकारी समय 157 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 45 से 100 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 166.7 मिलियन। अपने निर्देशन की पहली फिल्म दामोल 1984 की रिलीज के बाद झा ने अपने अगले उद्यम के लिए एक विचार की कल्पना की जिसका शीर्षक गंगा जल होगा, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के बारे में होगा। झा विषय वस्तु से अपरिचित थे और उत्पादन शुरू करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी और कहानी लिखने में 20 साल लग गए। जनवरी 2001 में घोषित इस फिल्म की तस्वीर अरविंद के फिल्मांकन में 60 दिन लगे और दोनों महाराष्ट्र में 22 और 17 में हुए और सेठ सुखवंत पाणिग्रही द्वारा डिजाइन किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक संदेश सांडिल्य द्वारा संगीतबद्ध किया गया था जिसमें अखिलेश शर्मा के गीत और अमेरिकी संगीतकार बेन शॉप द्वारा फिल्म द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर था। गंगा जल 29 अगस्त 2003 को जारी किया गया था। इसकी उत्पादन लागत 45 मिलियन $45 560,000 या $100 मिलियन $1.3 मिलियन थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी, वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और दुनिया भर में 166.7 मिलियन $2.1 मिलियन की कमाई की। इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली जिनमें से कुछ ने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, आमतौर पर देवगन की के, लेकिन कथाना की मौलिकता पर सवाल उठाया। गंगाजल को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिली। जय गंगाजल नामक एक सीक्वल 2016 में जारी किया गया था जिसने व्यावसायिक और गंभीर दोनों तरह से प्रदर्शन किया। भूखंड पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार अजय देवगन तेजपुर की कमान संभालते हैं जहां अपराध की दर बहुत अधिक है। जिले में पुलिस पर डॉन साधु यादव, मोहन जोशी और उनके बेटे सुंदर यादव, यशपाल शर्मा का नियंत्रण है। मुख्यालय की यात्रा के दौरान अमित की कार खराब हो जाती है और वह क्षेत्र का निरीक्षण करता है। वह पुलिस अधिकारियों के बीच पेशेवर शिथिलता, डहते बुनियादी ढांचे, पुराने हथियार, स्टेशनरी और परिवहन की कमी और भ्रष्ट स्थानीय ठेकेदारों पर अधिकारियों की निर्भरता को देखता है। इंस्पेक्टर बच्चा यादव मुकेश तिवारी साधु का एक साथी साधु के ठिकाने पर जाता है और कुख्यात स्थानीय गुंडे नुनवा को देखता है। गर्मा गर्म बहस के बाद नुनवा ने बच्चा के विभाग में एक अधिकारी की हत्या कर दी है। यादव नुनवा को मारता है। उसे गिरफ्तार करने के डर से नुनवा और तेजपुर पुलिस के बीच संबंध उजागर हो जाएगा और जनता को बताता है कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में अमित को पता चलता है कि साधु के साथ अपने संबंधों के कारण नुनवा को मार दिया गया था और सजा के तौर पर बच्चों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया। इस चिंता में कि तेजपुर से उसका तबादला हो जाएगा, बच्चा मदद लेने साधु के घर जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि साधु ने उसे छोड़ दिया है। अमित घटना पर ध्यान देता है और पाता है कि सुंदर ने लापता युवती का अपहरण कर लिया है। अमित महिला की माँ को मना लेता है जो ऐसा करने में हिचकिचाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अफसर को भागते हुए बच्चा अमित से उसे एक मौका देने का आग्रह करता है। बच्चा सुंदर को एक कारखाने में ले जाता है जहां अमित और उसके आदमी इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। महिला की माँ DIG वर्मा मोहन आगा से, जो साधु के वफादार हैं, के बाद सुंदर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। जज ने सबूतों की कमी के कारण सुंदर को बरी कर दिया। साधु के आदमी एक पान विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं जिसने अमित के नष्ट होने से पहले सुंदर के खिलाफ गवाही दी थी। जेल में
जब अमित घर जाता है, सुंदर बच्चा और उसे साथियों से लड़ता है। बच्चा पुरुषों की आंखों में तेजाब फेंकता है, एक ऐसा कार्य जिससे स्थानीय रूप से गंगा जल कहा जाता है। घटना विवाद की ओर ले जाती है और पुलिस पर सतर्क न्याय का आरोप लगाया जाता है। इस घटना से भयानक प्रेरणा लेते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जेलों में अपराधियों की आंखों में तेजाब फेंक दिया, जिससे पूरे तेजपुर में एक तीव्र भय पैदा हो गया और अपराध दर गिर गई। अधिनियम की हिंसक प्रकृति को जनता का समर्थन मिलता है। गंगा जल तत्काल असाधारण न्याय का साधन बन जाता है, जबकि सभी अधिकारी घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हैं। बच्चा एक पत्र में अपना कबूलनामा लिखता है और अमित को सौंपता है। जब बच्चा अपने घर पहुंचता है तो वह पाता है कि सुंदर ने उसके बेटे और पत्नी को बंधक बना लिया है। थोड़े संघर्ष के बाद सुंदर ने बच्चा की आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी। क्रोधित होकर अमित सुंदर के लिए एक सर्च वारंट जारी करता है और साधु को सुंदर को खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने की चेतावनी देता है। साधु सुंदर के लिए जमानत के लिए आवेदन करता है, लेकिन सुंदर को अदालत में पेश करने से पहले उसे गिरफ्तार कर जेल ले जाया जाता है। इस बार अदालत ने सुंदर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और पुलिस को सुंदर को हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालांकि साधु अपने बेटे को रिहा करने के लिए स्थानीय मंत्री को प्रभावित करता है, लेकिन अमित मना कर देता है और उसे आपातकालीन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सुंदर को रिहा कर दिया जाता है और वह उस महिला की शादी में बाधा डालता है जिसे उसने अगवा किया था और उसकी माँ की हत्या कर दी थी। इस नुकसान को सहन करने में असमर्थ महिला ने खुद को मार डाला। अमित साधु और सुंदर को हिरासत में लेता है और उन्हें थाने ले जाता है, लेकिन गुस्साई हुई अमित को रोक लेती है और गंगा जल से उनकी मौत की मांग करती है। अमित भीड़ को उन्हें मारने से रोकता है, कहता है कि अराजकता केवल सामाजिक पतन लाती है। वह चाहता है कि साधु और सुंदर पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाए, लेकिन वे बच जाते हैं। वे अमित को भगाने के लिए परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एक हल पर गिर कर सुंदर और साधु की मौत हो जाती है। उनकी आंखों में छेद हो जाता है। फेंकना बॉलीवुड हंगामा से लिया गया श्री अजय देवगन पुलिस अधीक्षक एसपी अमित कुमार के रूप में अनुराधा, अमित कुमार की पत्नी के रूप में ग्रेसी सिंह, साधु यादव के रूप में मोहन जोशी, सुंदर यादव के रूप में यशपाल शर्मा, साधु यादव के पुत्र मोहन आगाशे, डीआईजी वर्मा, अमित कुमार के बॉस के रूप में डीएसपी भूरेलाल, अमित कुमार के जूनियर के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर बच्चा यादव के रूप में मुकेश तिवारी, अयूब खान, इंस्पेक्टर सईद खान के रूप में अनूप सोनी, इंस्पेक्टर नीलकंठ तिवारी के रूप में दयाशंकर पांडे, एसआई मंगनीराम के रूप में अपूर्वा के रूप में कृति रेडकर, सुंदर यादव की प्रेम रुचि मास्टर यश पाठक, रवि के रूप में अपूर्वा के छोटे भाई एएसआई भोलानाथ पांडे के रूप में चेतन पंडित, विष्णु शर्मा गृह मंत्री द्वारिका राय हैं। मान्यता दत्त ने अलहद मस्त जवानी बेमिसाल गाने में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। गीत संगीत गंगा जल द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम संदेश सांडिल्य मुक्त 2003, शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 20-15, लेबल वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स, निर्माता संदेश सांडिल्य। संदेश सांडिल्य ने गंगा जल की साउंड ट्रैक की रचना की और अखिलेश शर्मा ने गीत लिखे। ऋचा शर्मा, उस्ताद सुल्तान खान और ललित पंडित ने गायन किया और वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। गाना नंबर 1 अलहद मस्त जवानी बेमिसाल, इस गाने को ऋचा शर्मा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 जानकी नाथ सहाय करें, इस गाने के गायकार उस्ताद सुल्तान खान हैं। गाना नंबर 3 रसिया मन बसिया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। गाना नंबर 4 चंडी के रुपया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गंगा जल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गंगाजल, गंगाजल द होली वेपन, अनुवाद पवित्र जल, प्रकाश झा द्वारा लिखित, निर्देशित, सहनिर्मित और संपादित 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। 87 अभिनेताओं के कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता यह पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो तेजपुर बिहार के काल्पनिक जिले की कमान संभालते हैं, जो अपनी उच्च अपराध दर और डॉन साधु मोहन जोशी द्वारा किए गए संगठित अपराध के लिए जाना जाता है, और सुंदर यादव यशपाल शर्मा अपराधों के प्रति स्थानीय पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण जिले के निवासी इसका सहारा लेते हैं। न्याय के हथियार के रूप में अपराधियों की आंखों में तेजाब डालना। निर्देशक प्रकाश झा द्वारा लिखित, प्रकाश झा द्वारा निर्मित, प्रकाश झा मनमोहन शेट्टी अभिनीत, मुकेश तिवारी, अजय देवगन, ग्रेसी सिंह, मोहन जोशी, यशपाल शर्मा, छायांकन अरविंद के द्वारा संपादित प्रकाश झा, संगीत दिया है गीत संदेश सांडिल्य, स्कोर बेन शार्प, उत्पादन कंपनियां प्रकाश झा प्रोडक्शंस, मनोरंजन एक, रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2003, कार्यकारी समय 157 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 45 से 100 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 166.7 मिलियन। अपने निर्देशन की पहली फिल्म दामोल 1984 की रिलीज के बाद झा ने अपने अगले उद्यम के लिए एक विचार की कल्पना की, जिसका शीर्षक गंगा जल होगा, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के बारे में होगा। जहाँ विषय वस्तु से अपरिचित थे और उत्पादन शुरू करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी और कहानी लिखने में 20 साल लग गए। जनवरी 2001 में घोषित इस फिल्म की तस्वीर अरविंद के फिल्मांकन में 60 दिन लगे और दोनों महाराष्ट्र में 22 और 17 में हुए और सेठ सुखवंत पाणिग्रही द्वारा डिजाइन किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक संदेश सांडिल्य द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें अखिलेश शर्मा के गीत और अमेरिकी संगीतकार बेन शॉप द्वारा फिल्म द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर था। गंगा जल 29 अगस्त 2003 को जारी किया गया था। इसकी उत्पादन लागत 45 मिलियन $45 या $100 मिलियन $1.3 मिलियन थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी, वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और दुनिया भर में 166.7 मिलियन $ 2.1 मिलियन की कमाई की। इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से कुछ ने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, आमतौर पर देवगन की के, लेकिन कथाना की मौलिकता पर सवाल उठाया। गंगाजल को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिली। जय गंगाजल नामक एक सीक्वल 2016 में जारी किया गया था, जिसने व्यावसायिक और गंभीर दोनों तरह से प्रदर्शन किया। भूखंड, पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार अजय देवगन तेजपुर की कमान संभालते हैं, जहां अपराध की दर बहुत अधिक है। जिले में पुलिस पर डॉन साधु यादव मोहन जोशी और उनके बेटे सुंदर यादव यशपाल शर्मा का नियंत्रण है। मुख्यालय की यात्रा के दौरान अमित की कार खराब हो जाती है और वह क्षेत्र का निरीक्षण करता है। वह पुलिस अधिकारियों के बीच पेशेवर शिथिलता, डहते बुनियादी ढांचे, पुराने हथियार, स्टेशनरी और परिवहन की कमी और भ्रष्ट स्थानीय ठेकेदारों पर अधिकारियों की निर्भरता को देखता है। इंस्पेक्टर बच्चा यादव मुकेश तिवारी साधु का एक साथी साधु के ठिकाने पर जाता है और कुख्यात स्थानीय गुंडे नुनवा को देखता है। गर्मा गर्म बहस के बाद नुनवा ने बच्चा के विभाग में एक अधिकारी की हत्या कर दी है। यादव नुनवा को मारता है। उसे गिरफ्तार करने के डर से नुनवा और तेजपुर पुलिस के बीच संबंध उजागर हो जाएगा और जनता को बताता है
कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में अमित को पता चलता है कि साधु के साथ अपने संबंधों के कारण ननवा को मार दिया गया था और सजा के तौर पर बच्चों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया। इस चिंता में कि तेजपुर से उसका तबादला हो जाएगा, बच्चा मदद लेने साधु के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि साधु ने उसे छोड़ दिया है। अमित घटना पर ध्यान देता है और पाता है कि सुंदर ने एक लापता युवती का अपहरण कर लिया है। अमित महिला की माँ को मना लेता है, जो ऐसा करने में हिचकिचाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अफसर को भागते हुए बच्चा अमित से उसे एक मौका देने का आग्रह करता है। बच्चा सुंदर को एक कारखाने में ले जाता है, जहां अमित और उसके आदमी इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। महिला की मां डीआईजी वर्मा मोहन आगाशे, जो साधु के वफादार हैं, के बाद सुंदर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। जज ने सबूतों की कमी के कारण सुंदर को बरी कर दिया। साधु के आदमी एक पान विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, जिसने अमित के नष्ट होने से पहले सुंदर के खिलाफ गवाही दी थी। जेल में जब अमित घर जाता है, सुंदर बच्चा और उसे साथियों से लड़ता है। बच्चा पुरुषों की आंखों में तेजाब फेंकता है, एक ऐसा कार्य जिससे स्थानीय रूप से गंगाजल कहा जाता है। घटना विवाद की ओर ले जाती है और पुलिस पर सतर्क न्याय का आरोप लगाया जाता है। इस घटना से भयानक प्रेरणा लेते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जेलों में अपराधियों की आंखों में तेजाब फेंक दिया, जिससे पूरे तेजपुर में एक तीव्र भय पैदा हो गया और अपराध दर गिर गई। अधिनियम की हिंसक प्रकृति को जनता का समर्थन मिलता है। गंगा जल तत्काल असाधारण न्याय का साधन बन जाता है, जबकि सभी अधिकारी घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हैं। बच्चा एक पत्र में अपना कबूलनामा लिखता है और अमित को सौंपता है। जब बच्चा अपने घर पहुंचता है तो वह पाता है कि सुंदर ने उसके बेटे और पत्नी को बंधक बना लिया है। थोड़े संघर्ष के बाद सुंदर ने बच्चा की आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी। क्रोधित होकर अमित सुंदर के लिए एक सर्च वारंट जारी करता है और साधु को सुंदर को खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने की चेतावनी देता है। साधु सुंदर के लिए जमानत के लिए आवेदन करता है, लेकिन सुंदर को अदालत में पेश करने से पहले उसे गिरफ्तार कर जेल ले जाया जाता है। इस बार अदालत ने सुंदर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और पुलिस को सुंदर को हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालांकि साधु अपने बेटे को रिहा करने के लिए स्थानीय मंत्री को प्रभावित करता है, लेकिन अमित मना कर देता है और उसे आपातकालीन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सुंदर को रिहा कर दिया जाता है और वह उस महिला की शादी में बाधा डालता है जिसे उसने अगवा किया था और इसकी मां की हत्या कर दी थी। इस नुकसान को सहन करने में असमर्थ महिला ने खुद को मार डाला। अमित साधु और सुंदर को हिरासत में लेता है और उन्हें थाने ले जाता है, लेकिन गुस्साई हुई अमित को रोक लेती है और गंगाजल से उनकी मौत की मांग करती है। अमित भीड़ को उन्हें मारने से रोकता है, कहता है कि अराजकता केवल सामाजिक पतन लाती है। वह चाहता है कि साधु और सुंदर पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाए, लेकिन वे बच जाते हैं। वे अमित को भगाने के लिए परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एक हल पर गिरकर सुंदर और साधु की मौत हो जाती है। उनकी आंखों में छेद हो जाता है। फेंकना बॉलीवुड हंगामा से लिया गया श्री अजय देवगन पुलिस अधीक्षक एसपी अमित कुमार के रूप में अनुराधा, अमित कुमार की पत्नी के रूप में ग्रेसी सिंह, साधु यादव के रूप में मोहन जोशी, सुंदर यादव के रूप में यशपाल शर्मा, साधु यादव के पुत्र मोहन आगाशे, डीआईजी वर्मा, अमित कुमार के बॉस के रूप में डीएसपी भूरेलाल, अमित कुमार के जूनियर के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर बच्चा यादव के रूप में मुकेश तिवारी, अयूब खान, इंस्पेक्टर सईद खान के रूप में अनूप सोनी, इंस्पेक्टर नीलकंठ तिवारी के रूप में दयाशंकर पांडे, एसआई मंगनीराम के रूप में अपूर्वा के रूप में कृति रेडकर, सुंदर यादव की प्रेम रुचि मास्टर यश पाठक, रवि के रूप में अपूर्वा के छोटे भाई एएसआई भोलानाथ पांडे के रूप में चेतन पंडित, विष्णु शर्मा गृह मंत्री द्वारिका राय हैं।
मान्यता दत्त ने अलहद मस्त जवानी बेमिसाल गाने में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। गीत संगीत गंगाजल द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम संदेश सांडिल्य मुक्त 2003 शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 20-15 लेवल वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स निर्माता संदेश सांडिल्य। संदेश सांडिल्य ने गंगाजल की साउंड ट्रैक की रचना की और अखिलेश शर्मा ने गीत लिखे। ऋचा शर्मा उस्ताद सुल्तान खान और ललित पंडित ने गायन किया और वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। गाना नंबर 1 अलहद मस्त जवानी बेमिसाल इस गाने को ऋचा शर्मा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 जानकी नाथ सहाय करें इस गाने के गायकार उस्ताद सुल्तान खान हैं। गाना नंबर 3 रसिया मन बसिया इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। गाना नंबर 4 चंडी की रुपया इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गंगा जल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गंगाजल, गंगाजल द होली वेपन, अनुवाद पवित्र जल, प्रकाश झा द्वारा लिखित निर्देशित सह निर्मित और संपादित 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। 87 अभिनेताओं के कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता यह पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो तेजपुर बिहार के काल्पनिक जिले की कमान संभालते हैं, जो अपनी उच्च अपराध दर और डॉन साधु मोहन जोशी द्वारा किए गए संगठित अपराध के लिए जाना जाता है, और सुंदर यादव यशपाल शर्मा अपराधों के प्रति स्थानीय पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण जिले के निवासी इसका सहारा लेते हैं। न्यायतर न्याय के अधिकार न्याय के हथियार के रूप में अपराधियों की आंखों में तेजाब डालना। निर्देशक प्रकाश झा द्वारा लिखित, प्रकाश झा द्वारा निर्मित, प्रकाश झा मनमोहन शेट्टी अभिनीत, मुकेश तिवारी, अजय देवगन, ग्रेसी सिंह, मोहन जोशी, यशपाल शर्मा, छायांकन अरविंद के द्वारा संपादित प्रकाश झा, संगीत दिया है गीत संदेश सांडिल्य, स्कोर बेन शार्प, उत्पादन कंपनियां प्रकाश झा प्रोडक्शंस, मनोरंजन 1, रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2003, कार्यकारी समय 157 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 45 से 100 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 166.7 मिलियन। अपने निर्देशन की पहली फिल्म दामोल 1984 की रिलीज के बाद झा ने अपने अगले उद्यम के लिए एक विचार की कल्पना की, जिसका शीर्षक गंगा जल होगा, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के बारे में होगा। जहाँ विषय वस्तु से अपरिचित थे और उत्पादन शुरू करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी और कहानी लिखने में 20 साल लग गए। जनवरी 2001 में घोषित इस फिल्म की तस्वीर अरविंद के फिल्मांकन में 60 दिन लगे और दोनों महाराष्ट्र में 22 और 17 में हुए और सेठ सुखवंत पाणिग्रही द्वारा डिजाइन किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक संदेश सांडिल्य द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें अखिलेश शर्मा के गीत और अमेरिकी संगीतकार बेन शॉप द्वारा फिल्म द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर था। गंगा जल 29 अगस्त 2003 को जारी किया गया था। इसकी उत्पादन लागत 45 मिलियन $45 या $100 मिलियन $1.3 मिलियन थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी, वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और दुनिया भर में $166.7 मिलियन $2.1 मिलियन की कमाई की। इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से कुछ ने
कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की आमतौर पर देवगन की के, लेकिन कथाना की मौलिकता पर सवाल उठाया। गंगाजल को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिली। जय गंगाजल नामक एक सीक्वल 2016 में जारी किया गया था, जिसने व्यावसायिक और गंभीर दोनों तरह से प्रदर्शन किया। भूखंड पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार अजय देवगन तेजपुर की कमान संभालते हैं, जहां अपराध की दर बहुत अधिक है। जिले में पुलिस पर डॉन साधु यादव, मोहन जोशी और उनके बेटे सुंदर यादव, यशपाल शर्मा का नियंत्रण है। मुख्यालय की यात्रा के दौरान अमित की कार खराब हो जाती है और वह क्षेत्र का निरीक्षण करता है। वह पुलिस अधिकारियों के बीच पेशेवर शिथिलता, डहते बुनियादी ढांचे, पुराने हथियार, स्टेशनरी और परिवहन की कमी और भ्रष्ट स्थानीय ठेकेदारों पर अधिकारियों की निर्भरता को देखता है। इंस्पेक्टर बच्चा यादव मुकेश तिवारी साधु का एक साथी साधु के ठिकाने पर जाता है और कुख्यात स्थानीय गुंडे नुनवा को देखता है। गर्मा गर्म बहस के बाद नुनवा ने बच्चा के विभाग में एक अधिकारी की हत्या कर दी है। यादव नुनवा को मारता है। उसे गिरफ्तार करने के डर से नुनवा और तेजपुर पुलिस के बीच संबंध उजागर हो जाएगा और जनता को बताता है कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में अमित को पता चलता है कि साधु के साथ अपने संबंधों के कारण नुनवा को मार दिया गया था और सजा के तौर पर बच्चों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया। इस चिंता में कि तेजपुर से उसका तबादला हो जाएगा, बच्चा मदद लेने साधु के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि साधु ने उसे छोड़ दिया है। अमित घटना पर ध्यान देता है और पाता है कि सुंदर ने एक लापता युवती का अपहरण कर लिया है। अमित महिला की माँ को मना लेता है, जो ऐसा करने में हिचकिचाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अफसर को भागते हुए बच्चा अमित से उसे एक मौका देने का आग्रह करता है। बच्चा सुंदर को एक कारखाने में ले जाता है, जहां अमित और उसके आदमी इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। महिला की माँ DIG वर्मा मोहन आगाशे, जो साधु के वफादार हैं, के बाद सुंदर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। जज ने सबूतों की कमी के कारण सुंदर को बरी कर दिया। साधु के आदमी एक पान विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, जिसने अमित के नष्ट होने से पहले सुंदर के खिलाफ गवाही दी थी। जेल में जब अमित घर जाता है, सुंदर बच्चा और उसे साथियों से लड़ता है। बच्चा पुरुषों की आंखों में तेजाब फेंकता है, एक ऐसा कार्य जिससे स्थानीय रूप से गंगाजल कहा जाता है। घटना विवाद की ओर ले जाती है और पुलिस पर सतर्क न्याय का आरोप लगाया जाता है। इस घटना से भयानक प्रेरणा लेते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जेलों में अपराधियों की आंखों में तेजाब फेंक दिया, जिससे पूरे तेजपुर में एक तीव्र भय पैदा हो गया और अपराध दर गिर गई। अधिनियम की हिंसक प्रकृति को जनता का समर्थन मिलता है। गंगाजल तत्काल असाधारण न्याय का साधन बन जाता है, जबकि सभी अधिकारी घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हैं। बच्चा एक पत्र में अपना कबूलनामा लिखता है और अमित को सौंपता है। जब बच्चा अपने घर पहुंचता है तो वह पाता है कि सुंदर ने उसके बेटे और पत्नी को बंधक बना लिया है। थोड़े संघर्ष के बाद सुंदर ने बच्चा की आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी। क्रोधित होकर अमित सुंदर के लिए एक सर्च वारंट जारी करता है और साधु को सुंदर को खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने की चेतावनी देता है। साधु सुंदर के लिए जमानत के लिए आवेदन करता है, लेकिन सुंदर को अदालत में पेश करने से पहले उसे गिरफ्तार कर जेल ले जाया जाता है। इस बार अदालत ने सुंदर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और पुलिस को सुंदर को हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालांकि साधु अपने बेटे को रिहा करने के लिए स्थानीय मंत्री को प्रभावित करता है, लेकिन अमित मना कर देता है और उसे आपातकालीन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सुंदर को रिहा कर दिया जाता है और वह उस महिला की शादी में बाधा डालता है जिसे उसने अगवा किया था और उसकी माँ की हत्या कर दी थी। इस नुकसान को सहन करने में असमर्थ महिला ने खुद को मार डाला। अमित साधु और सुंदर को हिरासत में लेता है और उन्हें थाने ले जाता है, लेकिन गुस्साई हुई अमित को रोक लेती है और गंगाजल से उनकी मौत की मांग करती है।
हमित भीड़ को उन्हें मारने से रोकता है। कहता है कि अराजकता केवल सामाजिक पतन लाती है। वह चाहता है कि साधु और सुंदर पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाए, लेकिन वे बच जाते हैं। वे अमित को भगाने के लिए परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एक हल पर गिरकर सुंदर और साधु की मौत हो जाती है। उनकी आंखों में छेद हो जाता है। फेंकना बॉलीवुड हंगामा से लिया गया श्री अजय देवगन पुलिस अधीक्षक एसपी अमित कुमार के रूप में अनुराधा, अमित कुमार की पत्नी के रूप में ग्रेसी सिंह, साधु यादव के रूप में मोहन जोशी, सुंदर यादव के रूप में यशपाल शर्मा, साधु यादव के पुत्र मोहन आगाशे, डीआईजी वर्मा, अमित कुमार के बॉस के रूप में डीएसपी भूरेलाल, अमित कुमार के जूनियर के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर बच्चा यादव के रूप में मुकेश तिवारी, अयूब खान, इंस्पेक्टर सईद खान के रूप में अनूप सोनी, इंस्पेक्टर नीलकंठ तिवारी के रूप में दयाशंकर पांडे, एसआई मंगनीराम के रूप में अपूर्वा के रूप में कृति रेडकर, सुंदर यादव की प्रेम रुचि मास्टर यश पाठक, रवि के रूप में अपूर्वा के छोटे भाई एएसआई भोलानाथ पांडे के रूप में चेतन पंडित, विष्णु शर्मा गृह मंत्री द्वारिका राय है, मान्यता दत्त ने अलहद मस्त जवानी बेमिसाल गाने में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। गीत संगीत गंगाजल द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम संदेश सांडिल्य मुक्त 2003, शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 20-15, लेबल वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स, निर्माता संदेश सांडिल्य। संदेश सांडिल्य ने गंगाजल की साउंड ट्रैक की रचना की और अखिलेश शर्मा ने गीत लिखे। ऋचा शर्मा, उस्ताद सुल्तान खान और ललित पंडित ने गायन किया और वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। गाना नंबर 1 अलहद मस्त जवानी बेमिसाल, इस गाने को ऋचा शर्मा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 जानकी नाथ सहाय करें, इस गाने के गायकार उस्ताद सुल्तान खान हैं। गाना नंबर 3 रसिया मन बसिया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। गाना नंबर 4 चंडी के रुपया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गंगा जल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गंगाजल, गंगाजल द होली वेपन, अनुवाद पवित्र जल, प्रकाश झा द्वारा लिखित, निर्देशित, सह निर्मित और संपादित 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। 87 अभिनेताओं के कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता यह पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो तेजपुर बिहार के काल्पनिक जिले की कमान संभालते हैं, जो अपनी उच्च अपराध दर और डॉन साधु मोहन जोशी द्वारा किए गए संगठित अपराध के लिए जाना जाता है, और सुंदर यादव यशपाल शर्मा अपराधों के प्रति स्थानीय पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण जिले के निवासी इसका सहारा लेते हैं। न्याय के हथियार के रूप में अपराधियों की आंखों में तेजाब डालना। निर्देशक प्रकाश झा द्वारा लिखित, प्रकाश झा द्वारा निर्मित, प्रकाश झा मनमोहन शेट्टी अभिनीत, मुकेश तिवारी अजय देवगन, ग्रेसी सिंह, मोहन जोशी, यशपाल शर्मा, छायांकन अरविंद के द्वारा संपादित प्रकाश झा, संगीत दिया है गीत संदेश सांडिल्य, स्कोर बेन शार्प, उत्पादन कंपनियां प्रकाश झा प्रोडक्शंस, मनोरंजन 1, रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2003, कार्यकारी समय 157 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 45 से 100 मिलियन,
बॉक्स ऑफिस 166.7 मिलियन। अपने निर्देशन की पहली फिल्म दामोल 1984 की रिलीज के बाद झा ने अपने अगले उद्यम के लिए एक विचार की कल्पना की जिसका शीर्षक गंगा जल होगा, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के बारे में होगा। जहाँ विषय वस्तु से अपरिचित थे और उत्पादन शुरू करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी और कहानी लिखने में 20 साल लग गए। जनवरी 2001 में घोषित इस फिल्म की तस्वीर अरविंद के फिल्मांकन में 60 दिन लगे और दोनों महाराष्ट्र में 22 और 17 में हुए और सेठ सुखवंत पाणिग्रही द्वारा डिजाइन किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक संदेश सांडिल्य द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें अखिलेश शर्मा के गीत और अमेरिकी संगीतकार बेन शॉप द्वारा फिल्म द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर था। गंगा जल 29 अगस्त 2003 को जारी किया गया था। इसकी उत्पादन लागत 45 मिलियन US डॉलर 560,000 या 100 मिलियन US डॉलर 1.3 मिलियन थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी। वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और दुनिया भर में 166.7 मिलियन US डॉलर 2.1 मिलियन की कमाई की। इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से कुछ ने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, आमतौर पर देवगन की के, लेकिन कथाना की मौलिकता पर सवाल उठाया। गंगाजल को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिली। जय गंगाजल नामक एक सीक्वल 2016 में जारी किया गया था, जिसने व्यावसायिक और गंभीर दोनों तरह से प्रदर्शन किया। भूखंड पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार अजय देवगन तेजपुर की कमान संभालते हैं, जहां अपराध की दर बहुत अधिक है। जिले में पुलिस पर डॉन साधु यादव, मोहन जोशी और उनके बेटे सुंदर यादव, यशपाल शर्मा का नियंत्रण है। मुख्यालय की यात्रा के दौरान अमित की कार खराब हो जाती है और वह क्षेत्र का निरीक्षण करता है। वह पुलिस अधिकारियों के बीच पेशेवर शिथिलता, डहते बुनियादी ढांचे, पुराने हथियार, स्टेशनरी और परिवहन की कमी और भ्रष्ट स्थानीय ठेकेदारों पर अधिकारियों की निर्भरता को देखता है। इंस्पेक्टर बच्चा यादव मुकेश तिवारी साधु का एक साथी साधु के ठिकाने पर जाता है और कुख्यात स्थानीय गुंडे नुनवा को देखता है। गर्मा गर्म बहस के बाद नुनवा ने बच्चा के विभाग में एक अधिकारी की हत्या कर दी है। यादव नुनवा को मारता है। उसे गिरफ्तार करने के डर से नुनवा और तेजपुर पुलिस के बीच संबंध उजागर हो जाएगा और जनता को बताता है कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में अमित को पता चलता है कि साधु के साथ अपने संबंधों के कारण नुनवा को मार दिया गया था और सजा के तौर पर बच्चों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया। इस चिंता में कि तेजपुर से उसका तबादला हो जाएगा, बच्चा मदद लेने साधु के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि साधु ने उसे छोड़ दिया है। अमित घटना पर ध्यान देता है और पाता है कि सुंदर ने एक लापता युवती का अपहरण कर लिया है। अमित महिला की माँ को मना लेता है, जो ऐसा करने में हिचकिचाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अफसर को भागते हुए बच्चा अमित से उसे एक मौका देने का आग्रह करता है। बच्चा सुंदर को एक कारखाने में ले जाता है, जहां अमित और उसके आदमी इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। महिला की माँ DIG वर्मा मोहन आगाशे, जो साधु के वफादार हैं, के बाद सुंदर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। जज ने सबूतों की कमी के कारण सुंदर को बरी कर दिया। साधु के आदमी एक पान विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, जिसने अमित के नष्ट होने से पहले सुंदर के खिलाफ गवाही दी थी। जेल में जब अमित घर जाता है, सुंदर बच्चा और उसे साथियों से लड़ता है। बच्चा पुरुषों की आंखों में तेजाब फेंकता है, एक ऐसा कार्य जिससे स्थानीय रूप से गंगाजल कहा जाता है। घटना विवाद की ओर ले जाती है और पुलिस पर सतर्क न्याय का आरोप लगाया जाता है। इस घटना से भयानक प्रेरणा लेते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जेलों में अपराधियों की आंखों में तेजाब फेंक दिया, जिससे पूरे तेजपुर में एक तीव्र भय पैदा हो गया और अपराध दर गिर गई। अधिनियम की हिंसक प्रकृति को जनता का समर्थन मिलता है। गंगा जल तत्काल असाधारण न्याय का साधन बन जाता है, जबकि सभी अधिकारी घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हैं।
बच्चा एक पत्र में अपना कबूलनामा लिखता है और उम्मीद को सौंपता है। जब बच्चा अपने घर पहुंचता है तो वह पाता है कि सुंदर ने उसके बेटे और पत्नी को बंधक बना लिया है। थोड़े संघर्ष के बाद सुंदर ने बच्चा की आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी। क्रोधित होकर अमित सुंदर के लिए एक सर्च वारंट जारी करता है और साधु को सुंदर को खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने की चेतावनी देता है। साधु सुंदर के लिए जमानत के लिए आवेदन करता है, लेकिन सुंदर को अदालत में पेश करने से पहले उसे गिरफ्तार कर जेल ले जाया जाता है। इस बार अदालत ने सुंदर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और पुलिस को सुंदर को हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालांकि साधु अपने बेटे को रिहा करने के लिए स्थानीय मंत्री को प्रभावित करता है, लेकिन अमित मना कर देता है और उसे आपातकालीन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सुंदर को रिहा कर दिया जाता है और वह उस महिला की शादी में बाधा डालता है जिसे उसने अगवा किया था और इसकी मां की हत्या कर दी थी। इस नुकसान को सहन करने में असमर्थ महिला ने खुद को मार डाला। अमित साधु और सुंदर को हिरासत में लेता है और उन्हें थाने ले जाता है, लेकिन गुस्साई हुई अमित को रोक लेती है और गंगाजल से उनकी मौत की मांग करती है। अमित भीड़ को उन्हें मारने से रोकता है, कहता है कि अराजकता केवल सामाजिक पतन लाती है। वह चाहता है कि साधु और सुंदर पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाए, लेकिन वे बच जाते हैं। वे अमित को भगाने के लिए परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एक हल पर गिरकर सुंदर और साधु की मौत हो जाती है। उनकी आंखों में छेद हो जाता है। फेंकना बॉलीवुड हंगामा से लिया गया श्री अजय देवगन पुलिस अधीक्षक एसपी अमित कुमार के रूप में अनुराधा, अमित कुमार की पत्नी के रूप में ग्रेसी सिंह, साधु यादव के रूप में मोहन जोशी, सुंदर यादव के रूप में यशपाल शर्मा, साधु यादव के पुत्र मोहन आगाशे, डीआईजी वर्मा, अमित कुमार के बॉस के रूप में डीएसपी भूरेलाल, अमित कुमार के जूनियर के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर बच्चा यादव के रूप में मुकेश तिवारी, अयूब खान इंस्पेक्टर सईद खान के रूप में अनूप सोनी, इंस्पेक्टर नीलकंठ तिवारी के रूप में दयाशंकर पांडे, एसआई मंगनीराम के रूप में अपूर्वा के रूप में कृति रेडकर, सुंदर यादव की प्रेम रुचि मास्टर यश पाठक, रवि के रूप में अपूर्वा के छोटे भाई एएसआई भोलानाथ पांडे के रूप में चेतन पंडित, विष्णु शर्मा गृह मंत्री द्वारिका राय हैं। मान्यता दत्त ने अलहद मस्त जवानी बेमिसाल गाने में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। गीत संगीत गंगाजल द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम संदेश सांडिल्य मुक्त 2003, शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 20-15, लेबल वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स, निर्माता संदेश सांडिल्य। संदेश सांडिल्य ने गंगाजल की साउंड ट्रैक की रचना की और अखिलेश शर्मा ने गीत लिखे। ऋचा शर्मा, उस्ताद सुल्तान खान और ललित पंडित ने गायन किया और वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। गाना नंबर 1 अलहद मस्त जवानी बेमिसाल, इस गाने को ऋचा शर्मा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 जानकी नाथ सहाय करें, इस गाने के गायकार उस्ताद सुल्तान खान हैं। गाना नंबर 3 रसिया मन बसिया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। गाना नंबर 4 चंडी के रुपया, इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गंगाजल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। गंगाजल, गंगाजल द होली बेपन, अनुवाद
पवित्र जल प्रकाश झा द्वारा लिखित निर्देशित सह निर्मित और संपादित 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। 87 अभिनेताओं के कलाकारों की टुकड़ी की विशेषता यह पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो तेजपुर बिहार के काल्पनिक जिले की कमान संभालते हैं, जो अपनी उच्च अपराध दर और डॉन साधु मोहन जोशी द्वारा किए गए संगठित अपराध के लिए जाना जाता है, और सुंदर यादव यशपाल शर्मा अपराधों के प्रति स्थानीय पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण जिले के निवासी इसका सहारा लेते हैं। न्यायतर न्याय के अधिकार न्याय के हथियार के रूप में अपराधियों की आंखों में तेजाब डालना। निर्देशक प्रकाश झा द्वारा लिखित प्रकाश झा द्वारा निर्मित प्रकाश झा मनमोहन शेट्टी अभिनीत मुकेश तिवारी अजय देवगन ग्रेसी सिंह मोहन जोशी यशपाल शर्मा छायांकन अरविंद के द्वारा संपादित प्रकाश झा संगीत दिया है गीत संदेश सांडिल्य स्कोर बेन शार्प उत्पादन कंपनियां प्रकाश झा प्रोडक्शंस मनोरंजन एक रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2003 कार्यकारी समय 157 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बजट 45 से 100 मिलियन बॉक्स ऑफिस 166.7 मिलियन। अपने निर्देशन की पहली फिल्म दामोल 1984 की रिलीज के बाद झा ने अपने अगले उद्यम के लिए एक विचार की कल्पना की जिसका शीर्षक गंगा जल होगा, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के बारे में होगा। जहाँ विषय वस्तु से अपरिचित थे और उत्पादन शुरू करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी और कहानी लिखने में 20 साल लग गए। जनवरी 2001 में घोषित इस फिल्म की तस्वीर अरविंद के फिल्मांकन में 60 दिन लगे और दोनों महाराष्ट्र में 22 और 17 में हुए और सेठ सुखवंत पाणिग्रही द्वारा डिजाइन किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक संदेश सांडिल्य द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसमें अखिलेश शर्मा के गीत और अमेरिकी संगीतकार बेन शॉप द्वारा फिल्म द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर था। गंगा जल 29 अगस्त 2003 को जारी किया गया था। इसकी उत्पादन लागत 45 मिलियन $45 560,000 या $100 मिलियन $1.3 मिलियन थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम सफलता थी, वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई और दुनिया भर में 166.7 मिलियन $2.1 मिलियन की कमाई की। इसे आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें से कुछ ने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, आमतौर पर देवगन की के, लेकिन कथाना की मौलिकता पर सवाल उठाया। गंगाजल को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं मिली। जय गंगाजल नामक एक सीक्वल 2016 में जारी किया गया था, जिसने व्यावसायिक और गंभीर दोनों तरह से प्रदर्शन किया। भूखंड पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार अजय देवगन तेजपुर की कमान संभालते हैं, जहां अपराध की दर बहुत अधिक है। जिले में पुलिस पर डॉन साधु यादव मोहन जोशी और उनके बेटे सुंदर यादव यशपाल शर्मा का नियंत्रण है। मुख्यालय की यात्रा के दौरान अमित की कार खराब हो जाती है और वह क्षेत्र का निरीक्षण करता है। वह पुलिस अधिकारियों के बीच पेशेवर शिथिलता डहते बुनियादी ढांचे पुराने हथियार स्टेशनरी और परिवहन की कमी और भ्रष्ट स्थानीय ठेकेदारों पर अधिकारियों की निर्भरता को देखता है। इंस्पेक्टर बच्चा यादव मुकेश तिवारी साधु का एक साथी साधु के ठिकाने पर जाता है और कुख्यात स्थानीय गुंडे नुनवा को देखता है। गर्मा गर्म बहस के बाद नुनवा ने बच्चा के विभाग में एक अधिकारी की हत्या कर दी है। यादव नुनवा को मारता है। उसे गिरफ्तार करने के डर से नुनवा और तेजपुर पुलिस के बीच संबंध उजागर हो जाएगा और जनता को बताता है कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में अमित को पता चलता है कि साधु के साथ अपने संबंधों के कारण नुनवा को मार दिया गया था और सजा के तौर पर बच्चों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया। इस चिंता में कि तेजपुर से उसका तबादला हो जाएगा, बच्चा मदद लेने साधु के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि साधु ने उसे छोड़ दिया है। अमित घटना पर ध्यान देता है और पाता है कि सुंदर ने लापता युवती का अपहरण कर लिया है। अमित महिला की मां को मना लेता है, जो ऐसा करने में हिचकिचाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अफसर को भागते हुए बच्चा अमित से उसे एक मौका देने का आग्रह करता है।
बच्चा सुंदर को एक कारखाने में ले जाता है जहां अमित और उसके आदमी इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। मेहनत की मां डीआईजी वर्मा मोहन आगा से जो साधु के वफादार हैं के बाद सुंदर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। जज ने सबूतों की कमी के कारण सुंदर को बरी कर दिया। साधु के आदमी एक पान विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं जिसने अमित के नष्ट होने से पहले सुंदर के खिलाफ गवाही दी थी। जेल में जब अमित घर जाता है सुंदर बच्चा और उसे साथियों से लड़ता है। बच्चा पुरुषों की आंखों में तेजाब फेंकता है, एक ऐसा कार्य जिससे स्थानीय रूप से गंगाजल कहा जाता है। घटना विवाद की ओर ले जाती है और पुलिस पर सतर्क न्याय का आरोप लगाया जाता है। इस घटना से भयानक प्रेरणा लेते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जेलों में अपराधियों की आंखों में तेजाब फेंक दिया जिससे पूरे तेजपुर में एक तीव्र भय पैदा हो गया और अपराध दर गिर गई। अधिनियम की हिंसक प्रकृति को जनता का समर्थन मिलता है। गंगा जल तत्काल असाधारण न्याय का साधन बन जाता है जबकि सभी अधिकारी घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हैं। बच्चा एक पत्र में अपना कबूलनामा लिखता है और अमित को सौंपता है। जब बच्चा अपने घर पहुंचता है तो वह पाता है कि सुंदर ने उसके बेटे और पत्नी को बंधक बना लिया है। थोड़े संघर्ष के बाद सुंदर ने बच्चा की आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी। क्रोधित होकर अमित सुंदर के लिए एक सर्च वारंट जारी करता है और साधु को सुंदर को खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने की चेतावनी देता है। साधु सुंदर के लिए जमानत के लिए आवेदन करता है लेकिन सुंदर को अदालत में पेश करने से पहले उसे गिरफ्तार कर जेल ले जाया जाता है। इस बार अदालत ने सुंदर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और पुलिस को सुंदर को हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालांकि साधु अपने बेटे को रिहा करने के लिए स्थानीय मंत्री को प्रभावित करता है लेकिन अमित मना कर देता है और उसे आपातकालीन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सुंदर को रिहा कर दिया जाता है और वह उस महिला की शादी में बाधा डालता है जिससे उसने अगवा किया था और इसकी मां की हत्या कर दी थी। इस नुकसान को सहन करने में असमर्थ महिला ने खुद को मार डाला। अमित साधु और सुंदर को हिरासत में लेता है और उन्हें थाने ले जाता है लेकिन गुस्साई भीड़ अमित को रोक लेती है और गंगाजल से उनकी मौत की मांग करती है। अमित भीड़ को उन्हें मारने से रोकता है, कहता है कि अराजकता केवल सामाजिक पतन लाती है। वह चाहता है कि साधु और सुंदर पर कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाए लेकिन वे बच जाते हैं। वे अमित को भगाने के लिए परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एक हल पर गिरकर सुंदर और साधु की मौत हो जाती है। उनकी आंखों में छेद हो जाता है। फेंकना बॉलीवुड हंगामा से लिया गया श्री अजय देवगन पुलिस अधीक्षक एसपी अमित कुमार के रूप में अनुराधा, अमित कुमार की पत्नी के रूप में ग्रेसी सिंह, साधु यादव के रूप में मोहन जोशी, सुंदर यादव के रूप में यशपाल शर्मा, साधु यादव के पुत्र मोहन आगाशे, डीआईजी वर्मा, अमित कुमार के बॉस के रूप में डीएसपी भूरेलाल, अमित कुमार के जूनियर के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर बच्चा यादव के रूप में मुकेश तिवारी, अयूब खान, इंस्पेक्टर सईद खान के रूप में अनूप सोनी, इंस्पेक्टर नीलकंठ तिवारी के रूप में दयाशंकर पांडे, एसआई मंगनीराम के रूप में अपूर्वा के रूप में कृति रेडकर, सुंदर यादव की प्रेम रुचि मास्टर यश पाठक, रवि के रूप में अपूर्वा के छोटे भाई एएसआई भोलानाथ पांडे के रूप में चेतन पंडित, विष्णु शर्मा गृह मंत्री द्वारिका राय हैं। मान्यता दत्त ने अलहद मस्त जवानी बेमिसाल गाने में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। गीत संगीत गंगाजल द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम संदेश सांडिल्य मुक्त 2003, शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 20-15, लेबल वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स, निर्माता संदेश सांडिल्य। संदेश सांडिल्य ने गंगाजल की साउंड ट्रैक की रचना की और अखिलेश शर्मा ने गीत लिखे। ऋचा शर्मा, उस्ताद सुल्तान खान और ललित पंडित ने गायन किया और वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया। गाना नंबर 1 अलहद मस्त जवानी बेमिसाल, इस गाने को ऋचा शर्मा ने अपनी आवाज़ में गाया है।
गाना नंबर दो जानकी नाथ सहाय करें। इस गाने के गायकार उस्ताद सुल्तान खान हैं। गाना नंबर तीन रसिया मन बसिया। इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। गाना नंबर चार चंडी की रुपया। इस गाने के गायकार ललित पंडित हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।